कारवां लोग कर रहे हैं, नहीं तो संध्याकालीन नहीं हो पाता है। मैं एक चीज बताऊं, केवल यदि प्रातःकालीन सूर्य का अर्घ देखते उगते हुए सूर्य को मध्यान्ह संध्या करें, फिर सायंकालीन संध्या करें, तो सूर्य की किरणें जो होती हैं वो दवा का काम करती हैं, उसे सैनिटाइज हो जाता है शरीर। और पहले ये ऋषि परंपरा में था, हमारे यहाँ किसी के आने पर पादप प्रक्षालन किया जाता था, उसका पूजन किया जाता था, उसको आसन पर बैठाया जाता था। तो पादप प्रक्षालन की जो परंपरा थी, पैर धुलने की, हाथ धुलने की, ये शौच की शुद्धिकरण की परंपरा थी हमारी भारतीय जीवन शैली। और इस कोरोना काल में, कोरोना एक ऐसी महामारी है, महामारी महाकाली महाविद्या सरस्वती, ये जो दुर्गा सप्तशती के प्रधानिक रहस्य में इसमें आया है, निश्चित रूप से महामारी तब होती है जब पाप बढ़ जाता है। और इसमें आज आपके समय में ये हो रहा है कि सत्य धर्म विलुप्त होता जा रहा है, इसलिए महामारी जो आई है कोरोना के रूप में आई है। और यह कोरोना महामारी स्वयं भगवान कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है, सब लोग जानते हैं। तो निश्चित रूप से जितने लोग मर रहे हैं या अभी मरेंगे, अभी बहुत लोग मरेंगे, बहुत अच्छी बात बोला प्रोफेसर राम सेवक दुबे जी ने कि कोरोना कौ से शुरू हुआ है और मोहना तक जाएगा, भारतीय जीवन शैली में प्रवर्तित होने की आवश्यकता है। और बस दो मिनट में ही, क्योंकि मैं जानता हूं बहुत प्रेशर है समय का, मैं आप लोगों को बहुत धन्यवाद देता हूं, दो मिनट का समय दिया। बहुत सारी चीजें हैं, निष्ठी से तुरीय संध्या जब तो आवाज सिद्धिर भवती, और हमारे वैदिक परंपरा में इतनी सारी चीजें हैं, रोग क्यों होता है, पाप का फल है, विष्णु पुराण का संदर्भ है, विष्णु पुराण में साफ दिया हुआ है हिंसा भार जातो धर्मस्य, हिंसा और अधर्म दोनों मिलकर के व्याधि को जन्म देते हैं। विष्णु पुराण के सातवें अध्याय का प्रथम अंश का सातवें अध्याय का संदर्भ है। तो बातें कहने के लिए बहुत है, निश्चित रूप से जब अधर्म का उदय होता है, धर्म का क्षय होता है, तो इस तरह की महामारी आती है। हमें आवश्यकता है हमें धर्म पथ पर चलने की, और प्राचीन जीवन शैली में संध्याकालीन संध्या करने की, जप करने की, तप करने की, क्योंकि धर्म ही रक्षा करता है। और वेद में तो वेदो खिलो धर्म मूलम धर्मो रक्षति रक्षितः, इसी शब्दों के साथ मैं आपको सबको धन्यवाद देते हुए राम देता हूँ। तन में मना शिव शंकर डॉक्टर अनिता सेन गुप्ता जी और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बहुत धन्यवाद दीक्षित जी, आपने तीनों संध्याओं का वर्णन किया। आपको बताना चाहूंगी कि हम लोग आज भी तीनों संध्या करते हैं, शायद बहुत अच्छी बात है। पता नहीं आपको शंकर की आवाज सुनाई पड़ रही कि नहीं, बहुत अच्छी बात बहुत अच्छी बात है। और मैं आपको बताऊं, आप मेरी बहुत चिर परिचित है। एक बार डॉक्टर उमाकांत यादव जी ने इलाहाबाद में सेमिनार कराया था वाल्मीकि रामायण कालीन नारी की स्थिति, उसमें आपने प्रश्न रखा था, तब मैं विशिष्ट अतिथि हुआ करता था। कोई बात नहीं, ये तो कोरोना काल अभी चल रहा है, अभी बहुत से काल प्रवर्तित होंगे, हम लोग जब मिलेंगे तो बहुत अच्छी वार्ता होगी और भी होगी। बहुत बहुत मैडम शुक्ला जी, इससे केवल हमने इतना सीखा कि प्रकृति में हमें विजय नहीं प्राप्त करना है, जो विज्ञान कहता है प्रकृति में विजय प्राप्त करना, हमें विजय नहीं प्राप्त करना, हमें प्रकृति के साथ सौख्य भाव बनाना है, उसका मित्र बनाना है, और मित्र के समान व्यवहार करेंगे तो प्रकृति भी हम जितना उसकी सेवा करेंगे उसका दुगना हमें वो देगी। इसी के साथ ही आज मैं इस सत्र को यहीं पर विराम चाहूंगी। अब मैं डॉक्टर दिव्या पांडे को आहूत करती हूँ। दिव्या, दिव्या कहाँ है, दिख नहीं रही आप? डॉक्टर दिव्या पांडे, बोलिए बोलिए डॉक्टर दिव्या। मैं हूँ। अब इस सत्र का संचालन डॉक्टर दिव्या पांडे करेंगी, उनको समर्पित करके अब मैं विराम चाहूंगी, विश्राम की आवश्यकता है। आइए दिव्या। थैंक यू मैम। थैंक यू।
कीजिए आप. यस, एम आई ऑडिबल? या या, प्लीज कंटिन्यू, आवाज आ रही है आपकी डॉक्टर दिव्या. थैंक यू. बोलिए. गुड इवनिंग एवरीवन. ऑन बिहाफ ऑफ ईश्वर सरन पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, आई दिव्या पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, extend a very warm welcome to the galaxy of intellectuals present in the webinar. Honorable Chairperson, Professor Shashi Tiwari Ma'am, the esteemed invited speakers, Professor Umakant Yadav Sir, Professor Girija Shankar Shastri Sir, Professor Shiv K. Chaturvedi Sir, Dr. Vivek Tiwari Sir, the respected convener of the seminar, Dr. Anita Sen Gupta Ma'am, faculty members, and different participants from prestigious colleges across the globe, I welcome you all. It is a matter of great honor and privilege to be hosting the two-day international seminar on the topic, Revival of Indian Perspective and Lifestyle to Combat the COVID-19 Pandemic with reference to Sanskrit literature, organized by Department of Sanskrit, Ishwar Saran Degree College, and WAVE, Wider Association for Vedic Studies. At a time when corona pandemic has dominated the world and leashed it in the lockdown, today's seminar explores the ways in which we can overcome the ghastly circumstances. The various papers presented in the seminar have highlighted how Indian perspective on spirituality, yoga, Ayurveda, and life lessons and lifestyle instilled in Sanskrit literature provide an alternative method of leading a life which is in more communion with nature, a holistic and healthy life. With this thought, let's begin today's seminar by welcoming the luminaries and inviting them to enlighten us with their ideas. First of all, I would like to welcome, and it's my great pleasure in welcoming the chairperson of today's seminar, Professor Shashi Tiwari Ma'am. She is the president of WAVES India, an institution to which she has contributed 24 years of her life. She has a vast teaching experience of 40 years at Macquarie College, University of Delhi. She is a learned scholar in Vedic sciences. She has published more than 40 books and 150 research articles in many national and international journals. She has broadcasted more than 150 talk shows at All India Radio on Sanskrit studies. So she has many laurels to her credit. The list goes endless. I request Professor Shashi Tiwari to enlighten us with her word. Ma'am, please continue. Thank you, Divya Pandey. So for a nice introduction, in your own words, and it was always a pleasure to listen about ourselves. So I welcome all the four great speakers of this session, and I think they are present here, and you will call them one by one in order which is printed on the program. So I wish maximum audience will be here to listen to them and to be benefited from them, those ideas which they will be presenting here. And this is a concluding session. And as we say, it is a Samapan Satra. So the findings and the results and the all final conclusions will be also brought out by the end of this program. So I wish that our learned speakers will. Are you allotting them 25 minutes time? So they will. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, they will. They will take care of their full time, and PPT will be taken by Dr. Shuklaji. Will take care of their PPTs. Yes, ma'am. Thank you. Thank you, Divya. Thank you, ma'am, for your inspirational words. Now, it is my immense pleasure in welcoming Professor Umakant Yadav Sir, the current head of Sanskrit department at University of Allahabad. Sir is a seasoned scholar and he has taught at many prestigious institutions like Mahatma Gandhi Kashi Vidyapeet, Avadh Vishwavidyalaya Faizabad. From 2005 to 2015,
sir served as program coordinator of NSS, University of Allahabad, and its constituent colleges. Sir has, from 2017 to 2019, sir honored IAS Academy, Prayagraj, as its principal. Sir has supervised PhD thesis of many research scholars, and 12 research scholars are still working under his guidance. Sir has published many books and many research articles. Sir also has many laurels to his credit. The list will never end. So now I request sir to honor us with his words. Topic of his presentation is Patanjali Yog Darshan Mein Pranayam Kaswari. Please. इस सत्र की अध्यक्षता कर रही प्रोफेसर शशि तिवारी जी, प्रोफेसर गिरिजाशंकर शास्त्री जी, प्रोफेसर शिव के चतुर्वेदी जी, डॉक्टर विवेक तिवारी जी, इस संगोष्ठी की संयोजक डॉक्टर अनिता सेन गुप्ता जी, संचालन कर रही डॉक्टर दिव्या पांडे जी, और इस संगोष्ठी से जुड़े हुए सभी विद्वतगण। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर अनिता सेन गुप्ता जी को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने बहुत ही उच्च कोटि का यह वेबिनार आयोजित किया, इसके लिए मैं बारंबार उनको बधाई देता हूं। विषय निश्चित रूप से बहुत ही समसामयिक है और इस कोविड महामारी के इस दौर में इस समय हम सबके लिए जो है प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना ही इस बीमारी के बचाव का मूल आधार है। इसलिए इसके लिए प्राणायाम सर्वोत्तम साधन है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने पातंजल योग दर्शन में प्राणायाम का स्वरूप इस विषय का चयन किया। मानव शरीर की प्रत्येक चेष्टा एवं गति का आधार प्राण है। प्राण केवल वायु नहीं अपितु मानव शरीर की जीवनी शक्ति है। इस जीवनी शक्ति के संवर्धन का सशक्त साधन प्राणायाम है। इस जीवनी शक्ति के संवर्धन से निरोगता, ओजस्विता, तेजस्विता एवं आत्मिक बल प्राप्त होता है। साथ ही मनोबल, इच्छा शक्ति, स्फूर्ति, जागरूकता, सक्रियता और नवजीवन की प्राप्ति होती है। यह शारीरिक एवं मानसिक शक्तियों के विकास का सर्वोत्तम साधन है। प्राणस्य आयामः इति प्राणायामः, अर्थात प्राण का आयाम ही प्राणायाम है। यहाँ आयाम पद आंग उपसर्ग पूर्वक यंत्रार्थक यम धातु से घय प्रत्यय संयुक्त होकर बनता है। अतः प्राण वायु को नियंत्रित करना ही प्राणायाम है। पतंजल ने योग दर्शन में श्वास और प्रश्वास की गति को रोकने को प्राणायाम कहा है। तस्मिन सति श्वास प्रश्वासयोः गति विच्छेदः प्राणायामः। और यहाँ प्रश्न उठता है कि श्वास और प्रश्वास क्या है। तो वायु को ग्रहण करना श्वास है तथा उद्ग्रस्त वायु को निकालना प्रश्वास है। व्यास भाष्य में कहा गया है कि श्वास एवं प्रश्वास दोनों का अलग अलग अथवा दोनों का एक साथ अभाव प्राणायाम है। वहां कहा गया है तयोर गति ही विच्छेद उभया अभाव प्राणायाम। अष्टांग योग में प्राणायाम चतुर्थ क्रमांक पर है। तृतीय क्रमांक पर आसन है। अतः योग सूत्र में तस्मिन सति के द्वारा पतंजल ने निर्दिष्ट किया है कि आसन सिद्ध हो जाने पर ही प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। व्यास ने तस्मिन सति का भाष्य सति आसन जय किया है। पतंजल ने योग सूत्र के साधन पाद के 50वें सूत्र में वाय, आभ्यांतर एवं अस्तंभ वृत्ति इन तीन प्राणायामों का उल्लेख किया है। इन्हीं को संप्रदायविद
क्रमशः रेचक, पूरक और कुंभक कहते हैं, जहां पर श्वास छोड़ते हुए श्वास ग्रहण की गति का अवरोध होता है वह वाह या रेचक प्राणायाम। यत्र प्रश्वास पूर्वको गत्य भाव सवाह्य, जहां पर श्वास ग्रहण करते हुए श्वास निसारण की गति का अवरोध होता है वह अभ्यांतर या पूरक प्राणायाम। यत्र श्वास पूर्वको गत्य भाव स अभ्यांतर, जहां पर श्वास और प्रश्वास दोनों की गति का अवरोध पहले ही प्रयास से हो जाता है वह स्तंभ वृत्ति या कुंभक तीसरा प्राणायाम है। तृतीय स्तंभ वृत्ति यत्रो भया भाव सकृत प्रयत्नात् भवति। इस तरह हम देखते हैं कि रेचन करने से रेचक, पूरण करने से पूरक और कुंभन अर्थात प्राणवायु के रोकने या पूर्ण निरोध करने से कुंभक प्राणायाम होता है। योग दर्शन के अनुसार ये तीनों प्राणायाम देश, काल और संख्या के द्वारा परीक्षित किए जाते हैं। देश या पर्यालोचन के द्वारा हम यह आकलन करते हैं कि रेचक, पूरक या कुंभक का देश या स्थान अभी इतना है। यह पर्यालोचन देश की कमी और अधिकता दोनों के द्वारा प्राणायाम विषयक प्रगति को सूचित करता है। इसी तरह हमने इतने क्षण तक प्राणायाम किया और फिर बढ़ते बढ़ते इतने क्षणों तक हो गया, यह काल पर्यालोचन है। संख्या या गणना के द्वारा भी प्राणायाम परीक्षित होते हैं। योग वार्तिक में कहा गया है जहां मात्रा संख्या द्वारा योग का नियमन होता है वहां संख्या पर दृष्ट होता है। सांस अब यहाँ कि ये जो है मात्रा किसे कहते हैं, तो यह कहते हैं कि सांस लेने और छोड़ने से उपलक्षित समय को मात्रा कहते हैं। 12 मात्राओं से परिमित पूरक आदि प्राणायाम का प्रथम उद्घात होता है। इससे अधिक अर्थात 24 मात्राओं वाले प्राणायाम से दूसरा उद्घात सिद्ध होता है। इसी प्रकार इससे भी अधिक अर्थात 36 मात्राओं वाले प्राणायाम से तृतीय उद्घात सिद्ध होता है। व्यास भाष्य में एक उद्घात वाले प्राणायाम को मृदु, दो उद्घात वाले प्राणायाम को मध्य एवं तीन उद्घात वाले प्राणायाम को तीव्र कहा गया है। अब प्रश्न उठता है कि उद्घात क्या है। राज मार्तंड वृत्ति में शरीर के अंदर प्रेरित अपान वायु का नाभिमूल से ऊपर उठकर शिरोभाग से टकराने को उद्घात कहा गया है। उद्घातो नाम नाभिमूलात् प्रेरितस्य वायोः अपानं शिरसि अभिहननम्। पतंजल ने देश, काल और संख्या पर विशिष्ट के उपाय से प्रतिदिन अभ्यस्त पूरक, रेचक और कुंभक रूपी त्रिविध प्राणायाम को दीर्घ अर्थात कालव्यापी और सूक्ष्म अर्थात वायु संचार वाला कहा है। योग वार्तिक में कहा गया है कि प्राणायाम देश, काल और संख्या में से किसी एक के द्वारा भी आलोचित किया जा सकता है। तीनों में से या दो से अवधारण करने की आवश्यकता नहीं है। पतंजल ने रेचक, पूरक एवं कुंभक के अतिरिक्त चौथे केवल कुंभक नामक प्राणायाम का भी विधान वाह आभ्यांतर विषयाक्षेपी चतुर्था यह योग सूत्र 251 में है द्वारा किया है। केवल कुंभक नामक चौथा प्राणायाम बहुत ही प्रयत्न या अभ्यास के बाद ही किया जा सकता है। रेचक और पूरक प्राणायामों के दीर्घ एवं सूक्ष्म रूप में सिद्ध हो जाने के पश्चात ही भूमि विजय के कारण श्वास एवं प्रश्वास की गति का पूर्ण अभाव ही चतुर्थ केवल कुंभक प्राणायाम। छठ प्रदीपिका में सूर्य भेदन, उज्जायी, सितकारी, शीतली, भत्रिका, भ्रामरी, मूर्छा और प्लावनी इन 8 कुंभक प्राणायामों की विस्तृत विवेचना प्राप्त होती है। स्वामी योगेश्वरानंद सरस्वती ने अपने ग्रंथ वैरंग योग में
इनके अतिरिक्त 60 प्राणायामों का उल्लेख किया है, जिनमें अग्नि प्रदीप, अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन, प्रच्छर्दन, कपाल भाति, सूक्ष्म नाड़ी शोधन आदि प्रमुख हैं। योग दर्शन में प्राणायाम का महत्व दर्शाते हुए कहा गया है कि प्राणायाम से बढ़कर कोई दूसरा तप नहीं है। इससे सारे मल नष्ट हो जाते हैं और ज्ञान रूपी ज्योति प्रज्वलित हो जाती है। तपो न परम प्राणायाम अतो सत्ततो विशुद्धि मलानाम दीप्तिश्च ज्ञानस्येति। पतंजल ने प्राणायाम के लाभ का उल्लेख योग सूत्र 252 एवं 253 में किया है। योग सूत्र 252 में कहते हैं, तथा क्षीयते प्रकाश आवरणम, अर्थात उस प्राणायाम से प्रकाश पर परा हुआ पर्दा क्षीण हो जाता है। तात्पर्य यह है कि जीवात्मा के ऊपर अविद्या रूपी अंधकार का जो आवरण है, उससे आत्मप्रकाश का भान नहीं हो पाता। जब प्राणायाम से यह आवरण नष्ट हो जाता है तो आत्मा के प्रकाश का दर्शन होने लगता है। योग सूत्र 252 में कहा गया है कि धारणास च योग्यता मनुष्यः, अर्थात प्राणायाम के अभ्यास से धारणा करने या चित्त को एकाग्र करने में साधक में विशेष योग्यता आ जाती है। तत्वैशारदी में भी कहा गया है कि प्राणायामो ही मनः स्थिरी कुर्वन् धारणास योग्यम करो, अर्थात प्राणायाम मन को स्थिर कर धारणा की योग्यता प्राप्त कराता। हठ प्रदीपिका में कहा गया है कि प्राणवायु के चंचल होने पर मन भी चंचल होता है और प्राणवायु के निश्चल या शांत होने पर मन भी स्थिर हो जाता है। अतः मन की स्थिरता के लिए प्राणायाम करें। वहां हठयोग में कहा गया है कि चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवे, योगी स्थाणुत्वम आपनोति ततो वायु निरोधेत। मनुस्मृति में भी कहा गया है कि जिस प्रकार आग में डालने से लोहे आदि धातुओं का मल जल जाता है और वह निर्मल हो जाता है, उसी प्रकार प्राणायाम करने से शरीर के सारे मल एवं दूषित तत्व नष्ट हो जाते, जलकर नष्ट हो जाते हैं। प्राणायाम मनोनिरोध का अमोघ अस्त्र है, जिसके माध्यम से हम मन को नियंत्रित करके अपनी प्राण शक्ति का विकास करने में समर्थ होते हैं, जिसके फल स्वरूप धारणा ध्यान एवं समाधि की ओर प्रसर होते हैं। प्राणायाम से मस्तिष्क की सूक्ष्म और सुप्त शक्तियां जागृत होती हैं, फलतः मानस रोग तनाव आदि नष्ट होते हैं। प्राणायाम से असाध्य रोग भी ठीक हो जाते हैं। इसी आधार पर प्राणायाम चिकित्सा हुई है। प्राणायाम से नाड़ी संस्थान, पाचन संस्थान, श्वसन संस्थान और रक्त संचार सभी सक्रिय रहते हैं और उनकी कार्य क्षमता बढ़ती है। अतः प्राणायाम का हम अभ्यास करें और अपनी सामर्थ्य बढ़ाएं तथा रोग मुक्त होकर जीवन का आनंद लें। अंत में हमारी मंगल कामना है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् बोलू। धन्यवाद। बोलू, आवाज उसकी कम तक है ना, और यहाँ आवाज लगानी पड़ेगी। डॉक्टर दिव्या, यस सर, प्लीज कंटिन्यू। ओके, थैंक यू सर फॉर योर सच अ कंसाइज एंड कॉम्प्रिहेंसिव एंड डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ प्राणायाम। वी आर ग्रेटली एनरिच्ड बाय द एक्सपीरियंस। Now, in the series of many informative and influential lectures, next we have Professor Grija Shankar Shastri, who is currently the head of Jyotish Department at Banaras Hindu University. I am especially privileged in welcoming you, sir, as sir has taught
in past at Ishwasaran Postgraduate College, and he was convener of Sanskrit department. Sir is an extremely learned scholar in Jyotish and Vedic sciences. Sir has published more than 250 research articles in many national and international journals. He has authored more than 25 books and supervised PhD thesis of many research scholars. Sir has been honored with many awards, like Jyotish Parashar Manad Upadhi by Nepal Sarkar, Shastra Puraskar by Uttar Pradesh Samskrit Sangha, Prayag Gaurav Samman by Uch Shiksha Mantri Uttar Pradesh Sarkar, Shikshak Samman, Jyotish Ratan Samman, and the list goes endless. Sir, we are honored to have you amidst us today, and we'll be delighted if you will share your views with us. Sir will speak on the topic Vaishvik Sandharv Mein Dharm Shastra Dwara Pratiraksha Ke Upay. Thank you. Thank you, sir. हाँ जी, आवाज मिल रही है? हाँ जी सर, आवाज आ रही है सर जी। बस ठीक है, आवाज आ रही है तो जी जी। हरे ओम मंगल मूर्तये नमः। ओम गणाधिपतये नमः। यदपाद पंकजद्भानैः श्रुतयः श्रुतिमागताः स्पन्दमाना हृदिदेशे ध्याये ब्रह्ममयं गुरुं। नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च। सभापति अध्यक्ष जी को साथ में समस्त सभा को प्रणाम कर रहा हूं। कारण है कि इस समय भयावह स्थिति है पूरे विश्व की, केवल भारतवर्ष नहीं अपितु संपूर्ण विश्व आज एक महामारी से एक ढंग से जूझ रहा है प्राण रक्षा के लिए। हमारे यहाँ कहा गया कि एक प्राचीन आचार्य की उक्ति है, अद्यैव हसितम गीतम पठितम यही शरीर भी। अभी आज ही हंस रहे थे, आज ही अभी गीत गाया और आज ही पढ़ा था, और अद्यैव तेन दृश्यन्ते। अभी अब वो दिखाई नहीं पड़ रहे, समाप्त हो गए। कुटिला कालस्य कुटिला गति, काल की गड़ी बड़ी कुटिल है। सर तो लगता है नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया। दिव्या मैम, डॉक्टर दिव्या सर का लिंक हमसे टूट गया है, अपना अनम्यूट करिए पहले माइक अपना। डॉक्टर दिव्या हेलो। नहीं सर, आवाज आ रही है। हाँ सर, प्लीज कंटिन्यू सर। आ रही है ना? हाँ हाँ जी सर, जी जी जी, थोड़ा सा नेटवर्क इशू। जी सर जी, अच्छा हो जाता है, कोई बात जी, नहीं जी, सर, सर। ऑनलाइन बातचीत में वेबिनार में ये प्रायः संभव है। अरे मनुष्य के जीवन का कुछ भरोसा ही नहीं है तो वेबिनार में जी सर जी, मैसेज आ रहा है नेटवर्क बैंडविड्थ। हाँ ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद। मैं कह रहा था कि एक शिष्य बहुत डर गया, उसको लगा कि हमारी मृत्यु हो सकती है, बड़ा भयंकर रोग आ चुका है। उसने अपने गुरुजी से कहा, गुरुजी क्या कहूं, कहीं ऐसा न हो कि हमारी भी मृत्यु न हो जाए। गुरुजी ने डांटते हुए कहा, अरे मृत्युर विभेष किम मूढ़, अरे मूर्ख इस मृत्यु से क्यों डरता है। अरे भीता किम त्वम भीता नो मुंचति यमः, यमराज तुम्हारे डर जाने से नहीं कहेंगे कि बेचारा डर गया है इसलिए जाने दो, इसको छोड़ दिया जाए। अरे डर जाओगे तब भी मृत्यु होनी है, तो मृत्यु से भयभीत मत हो, फिर क्या करें। तो कहा करना यह है
कि देखो यमराज कितना भी चाह लें अजातम नैव ग्रहणाति, जो पैदा नहीं हो रहा है, जो पैदा नहीं हुआ उसको कभी ग्रहण नहीं पकड़ नहीं सकते, यमराज उसको नहीं मार सकते। इसलिए कुरु यत्नम अजन्मनि, ऐसा प्रयत्न करो कि आप दोबारा जन्म ही न मिले, इस भवबंधन से ही मुक्त क्यों न हो जाए। भवबंधन से मुक्त हो जाना यही सबसे बड़ा उपाय है। और जब तक हम प्रयत्न ये करें कि हम मृत्यु से रक्षा करते रहें, कुछ काढ़ा वढ़ा पीते रहें, सारी शरीर की क्षमता बढ़ावे, प्राणायाम कर लें, संध्या बंधन कर लें, तो इससे हम जीवित रह जाएंगे। कितने दिन रहेंगे भाई? वेद भी तो कहता है जीवेम श्रद्धा सतम, पश्चिम श्रद्धा सतम, श्रुणयाम श्रद्धा सतम, प्रभ्रवाम श्रद्धा सतम, अधीनाश्याम श्रद्धा सतम, भूयस्य श्रद्धा सतात। जब 100 वर्ष वेद ही कहता है उसके बाद तो चलना पड़ेगा ना। तो आज नहीं कल मरे मरिहि सकल, मुए मरिहि सकल, आज काल के बीच। कोई आज मर रहा है, कोई कल मरेगा, मरना सबको है। तो पहले प्रयत्न ये करना है हम सबको कि कैसे हम अपने जन्म को सुधार लें। अगर यह जन्म सुधर गया, इसीलिए कहा कि मानव तन बड़ी ही कठिनाई से मिलता है, नरत्वम दुर्लभम लोके, इस सृष्टि में मनुष्य का जन्म ही सबसे दुर्लभ है। और आप क्षण भर ही जिए, क्षण काय मुहूर्तम अपि जीवेत नरह शुक्लेन कर्मणा, शोभन कर्म करके, शुक्ल कर्म करके हम एक मुहूर्त ही जिएंगे, चमक कर जिएंगे ना। ऐसा नहीं जीना है कि बस डर करके कि अब आज ये हम उपाय करें ताकि हम प्राण बचाए रखें। प्राण से डर करके प्राण नहीं बचाना, बड़े साहस से इस कोरोना से हमारे कितने लड़ने वाले, चाहे तो डॉक्टर हो या ये सिपाही हो, श्रमिक वर्ग हो, सब तो लगे हुए हैं। इसलिए कोई भय करने की आवश्यकता नहीं है, भय को हमेशा निकाल देना चाहिए। अब धर्मशास्त्र जो कहता है उससे भी दो चार वाक्य कह दूं। धर्मशास्त्र में सबसे अधिक किसी चीज को महत्व दी गई तो आचरण को दिया गया है। अगर आचरण ठीक नहीं हुआ, सदाचार नहीं आया, तो चाहे जितना धन कमा लिया जाए, चाहे जितना भोग कर लिया जाए, और चाहे जितना हम धर्म की भी प्राप्ति कर लें, लेकिन आचरण पहले ठीक करेंगे। आचरण न ठीक हुआ तो सारा वेद पढ़ लिया जाए, चारों वेदों को पढ़िए, वेदांग के सहित पढ़िए, सारे शास्त्रों को पढ़ लीजिए। लेकिन कहते हैं कि जब मृत्यु काल आएगी उस समय छंद भी साथ छोड़ देते हैं न। कहा गया है कि मृत्यु काले छंदासेनम मृत्यु काले त्यजंती, यद्यपि अधीता सह सड़भी रंगई, 6 अंगों के सहित वेद पढ़ा गया हो वह वेद भी रक्षा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मृत्यु का समय जब उपस्थित होता है तो मंत्र सब भूल जाते हैं। छंदासेनम मृत्यु काले त्यजंती और नीरा शकुंता युजात पक्षा, जब पक्षियों को पंख निकल आते हैं बच्चों को तो घोंसले का त्याग कर देते हैं। इसलिए वेद तो पढ़िए, वेद पढ़ना अच्छी बात है, वेद के मंत्रों को भी जानिए, सदंग भी पढ़िए, सदंग वेद वेदांग को पढ़िए, सारे शास्त्र पढ़िए। और सबका एक निचोड़ है कि यदि हमारा आचरण ठीक नहीं हुआ, आचरण अगर ठीक नहीं हुआ तो निश्चित ही हम बार बार इस भवबंधन में पड़ते रहेंगे। यथा ही मलिनै वस्त्रै, जैसे कोई मलिन वस्त्र धारण कर ले तो यत्र तत्र उपविश्यते, जहां मन करे वहां बैठ जाता है। भाई गंदा वस्त्र है तो फिर गंदा हो जाएगा, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अगर वस्त्र स्वच्छ रखा है, ठीक उसी प्रकार से अपने को पवित्र बनाए रखना है। पवित्र शब्द एक ऐसा शब्द है जिसकी व्युत्पत्ति होती है पवेह त्रायते इति पवित्रम। पवेह माने जो वज्र से भी रक्षा कर ले, पवि कहते हैं वज्र को, वज्र से भी बचाने की सामर्थ्य है पवित्रता में। तो यदि हमारा अंतःकरण पवित्र हुआ, मैंने अपने को पवित्र बना लिया है, तो पक्की बात है कि ये कोरोना आदि सब छोटे मोटे हैं महामारियां हैं, इससे भी कितनी बड़ी महामारी हो, मैं कह रहा हूं वज्र भी एक बार चल गया हो उसे भी पवित्रता रक्षा कर लेती है। इसलिए व्यक्ति को पवित्र बनने का यत्न करना चाहिए। आचारा आयु मापनोति, आचरण से ही आयु मिलती है। दुराचारी जो होता है वो लोके भवति निंदितः, लोक में निंदा का पात्र हो जाता है। इसलिए दुराचार छोड़ करके अब अगर धन भी कमा रहे हैं तो इसलिए कमा रहे हैं कि हम कितने पीढ़ियों के लिए रख जाएं। कहा इसकी बड़ी निंदा की गई है, द्रव्याणि भूमौ, सारा धन इसी पृथ्वी पर रहेगा, कितने लोग अनादिकाल से चलते चले आ रहे हैं
और पृथ्वी छोड़कर चले गए, एक एक से ऐसे व्यक्ति हुए जो संपूर्ण पृथ्वी का शासन अकेले करते थे, जिनको चक्रवर्ती कहा जाता था। लेकिन क्या उनके साथ कुछ गया? ये सारा धन पृथ्वी पर रह गया, आज भी पृथ्वी वसुंधरा ही बनी हुई है। द्रव्याणि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, और जो पशु वाहन आदि हैं गोशाला में या गैरेज में बैठे रहे, पड़े रह जाएंगे। और भार्या गृहद्वारि, पत्नी जीवित रहेगी तो घर के दरवाजे तक जाएगी, अगर मर गई तो कोई बात ही नहीं है। जना श्मशाने, बाकी संसार के लोग श्मशान घाट तक जा सकते हैं। आजकल कोरोना के स्थिति में जिसकी मृत्यु हो रही है, लोग घाट तक भी जाना शायद बड़ा कठिन हो गया, नहीं जाना चाहते कि पता नहीं कोई हमको भी ना आ जाए। तो उस समय की बातें हैं जब ये बात हमारे आचार्यों ने कहा कि जना श्मशाने, लोग श्मशान तक जाते रहे, इससे ज्यादा लोगों की बस वो नहीं है। फिर क्या होगा कि देहस्यतायाम, जिस शरीर को हम अभी बहुत महत्व दे रहे थे, अभिनिवेश हो गया है, इस शरीर से इतना आसक्ति हो गई है कि हमको अब लगता है कि शरीर बनाए रखना है, किसी ढंग से बना रहे, यह भी कहां तक साथ देगा? कहा देहस्यतायाम, तो परलोक मार्गे, परलोक में क्या जाएगा, क्योंकि यही लोक नहीं है, अभी तो दूसरा लोक भी है, यात्रा करनी ही होगी, आत्मा तो चलेगी, जीवात्मा जाएगी तो उसके साथ क्या जाएगा? तो कर्मानुगो धर्मानुगो गच्छति जीव एकः, जैसा कर्म किया है, जैसा जीवन भर कमाया है, वही साथ जाएगा। कमाया माने धन नहीं जाएगा, कर्म जैसा किया है वो कर्म साथ साथ चलता है। इसीलिए महाभारत के प्रसंग में जब युधिष्ठिर से यक्ष ने पूछा कि अच्छा संसार की वार्ता क्या है, समाचार क्या है, इसको बता दीजिए संसार का समाचार, तो एक ही श्लोक में बहुत बड़ी बात कह गए हैं युधिष्ठिर, सत्यवादी युधिष्ठिर, धर्मराज युधिष्ठिर। उन्होंने कहा अस्मिन् महामोहमये कटाहे सूर्याग्निना रात्रि दिवेन्धनेन आसम तु दर्वी परिघट्टनेन भूतानि कालः पचति इति वार्ता। यही वार्ता है, यही समाचार है संसार का कि भूतानि कालः पचति, काल प्राणियों को पका रहा है। कहाँ पका रहा है? प्राणी समझते हैं कि यह मोह में, मोह कहते हैं, मोह वैचित्य धातु से बनता है, मोह धातु से भय प्रत्यय करिए मोह बनेगा, तो अस्मिन् महामोह, इतना बड़ा महामोह बन गया, वही कड़ाहा बना दिया है काल ने। अस्मिन् महामोह मये कटाहे और सूर्याग्नेना रात्रि दिवेन्धनेन, सूर्य और अग्नि रात्रि दिन रात्रि ईंधन बन गए हैं, ईंधन की तरह अग्नि जल रही है, सूर्य अग्नि हुआ और रात्रि दिन ईंधन होता जा रहा है। ईंधन जब तक मिलता रहेगा अग्नि जलती रहेगी। तो मासम तु दर्वी, और जो ये काल बीत रहा है, दिन बीतेगा, पक्ष बीतेगा, मास बीतेगा, वर्ष, इसमें क्या कर रहा है काल, इसको अपना कलछुल बना लिया है। मासम तु दर्वी परिघट्टनेन, उलट पुलट कर रहा है ऊपर से नीचे, भूता निकाल है वार्ता, और प्राणियों को पकाए जा रहा है, नित्य यही हो रहा है, यही संसार की वार्ता है। यक्ष प्रसन्न हो जाता है। मैं कह रहा हूं कि यह जो स्थिति आ गई है आज पूरे संसार के सामने बनी हुई है, पहली बात तो इससे भय से निवृत्त हो जाए लोग। दूसरी बात, हमारे संस्कृत शास्त्रों में एक सबसे बढ़िया गीता का ही वचन है, भगवान ने कहा है असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा, एक शस्त्र दे दिया, इस शस्त्र से आप कैसे भी रोग हो उसको छेदन कर दीजिए, काट डालिए। वो कौन सा शस्त्र है? कहा असंग, असंग माने आसक्ति न रखिए, किसी से सटिए मत, दूर रहिए, इसी को तो लोग अपने अपने ढंग से व्याख्या कर रहे हैं। असंग ये शस्त्र है आपके पास में, जब आप किसी से सटेंगे नहीं, दूरी बनाए रखेंगे, तो ये रोग अपने आप इसकी कड़ी टूट जाएगी, नष्ट हो जाएगा। असंग सस्तेण दृढ़ेन छिपा, बड़ी मजबूती से इसको काटिए, रोग नष्ट हो जाएगा। धर्मशास्त्र सिखाता है कि हमको कैसे जीवन जीना चाहिए, और जो जीवन शैली धर्मशास्त्रों ने बताया है, अब एक एक का बताने का तो नहीं इतना समय है, बहुत काल बीत गया, इसलिए केवल इतना ही कह रहा हूं कि पवित्रता होनी चाहिए, सद आचरण होना चाहिए, अपने से बड़ों का आदर सम्मान बनाए रखना चाहिए, और उसके साथ साथ असंग भाव से रहते हुए परमात्मा का स्मरण भी करें। और हमारे ज्योतिष शास्त्र में एक बहुत बढ़िया बात कह दी गई है, वो महर्षि गर्ग की ओर से वचन है। गर्ग कहते हैं कि अति लोभात, जब बहुत लोभ बढ़ जाता है, असत्याद, बहुत असत्य झूठा लोग प्रयोग करने लगते हैं, झूठा बोलने लगते हैं, नास्तिक्यात, नास्तिकता आ जाती है, जब नास्तिकता आती है तो परलोक का भय मिट जाता है,
सब लोग ये समझ रहे थे कि अब ईश्वर के समकक्ष हम हो रहे हैं, क्योंकि अभी तक मंगल लोक को पहुंच रहे थे, इसके बाद ब्लैक होल को भी पार करने का विचार कर रहे थे, और ये नास्तिकता की बुद्धि आ रही थी, परमात्मा को कोई मानने को तैयार नहीं हो रहा था। तो ये प्रकृति तो जो है खेल करती रहती है ना, और आज से नहीं, ये छठी शताब्दी से इतिहास प्राप्त हो रहा है, एक 100 वर्षों के बाद, कभी 150-200 वर्षों के बाद बड़ी बड़ी महामारियां आती रही हैं, कभी प्लेग के रूप में आई हैं, और कभी और अन्य फ्लू के माध्यम से आती रही, और जब आती थी तो पूरे के पूरे जनपद ध्वंस हो जाते थे। इसीलिए चरक ने एक चरक संहिता में जनपदोध्वंसी जनपदोध्वंसी अध्याय है, जिसमें उसमें महर्षि आत्रेय पुनर्वसु से वैशंपायन ने पूछा है कि ये जनपद ध्वंस कैसे होते हैं। अरे एक व्यक्ति को रोग हो तो समझ आता है, लेकिन पूरे के पूरे जनपद, पूरे के पूरे नगर, पूरा ये जो है देश राष्ट्र नष्ट होता है, इसमें क्या है। उन्होंने कहा कि लोगों के जो विचार होते हैं, जब विचार में हमेशा नास्तिकता आ जाती है, नास्तिक की भाव आ जाता है, विचार कलुषित हो जाते हैं, असत्य भाषण होने लगता है, बस स्वार्थ की भावना बन जाती है, और वही क्रिया में जब उतार देते हैं तो उस समय क्या हो जाता है कि निश्चित ही जनपद ध्वंस होने लगता है। वो जो रोग आता है एक साथ सबको चपेट में ले लेता है। तो कहा है गर्ग ने, अति लोभात असत्याद नास्तिक्याद वा अधर्मतः। और अधर्म, अधर्म यही है कि हम दूसरे का भी छीन करके स्वयं में हमारा बढ़ जाए, दूसरे का भले गठरी काट ले, जेब काट लिया जाए। तो कहा कि ये जो है जब ऐसा करते हैं, तब नराणाम अपचारात, लोगों के अपचार से ही नियतम उपसर्ग प्रवर्तते, इसी से उपसर्ग ये महामारी आती है। और ये महामारी तीन प्रकार से कहा है, एक आती है भौम उत्पात होता है, और दूसरा अंतरिक्ष उत्पात होता है, तीसरा दिव्य उत्पात होता है। तो ये भौम जब उत्पात होता है तो उसमें पृथ्वी में जो वस्तुएं चल हैं अचल हो जाती है, अचल हो जाती है, और यह जब रोग आता है इससे भी महामारी आती है। ये महामारी केवल 3 महीने में अपना प्रभाव दे करके विनष्ट हो जाती है, विनष्ट नहीं होती, उसके कण बने रहते हैं लेकिन उसका प्रभाव कम हो जाता है। दूसरा अंतरिक्ष में जब गंधर्व नगर आदि दिखाई पड़ते हैं, जब सूर्य आदि मंडलों में परिवेश आदि होने लगते हैं, तब वह जो होता है उसको कहते हैं ये अंतरिक्ष उत्पात है। अंतरिक्ष उत्पात का प्रभाव 6 महीने तक चला करता है। और जब ये दिव्य उत्पात है, दिव्य उत्पात भले ही किसी व्यक्ति के द्वारा परीक्षण ही क्यों न किया गया हो, लोगों के द्वारा हो सकता है कृत्रिम रूप से बनाया गया हो, लेकिन उसके पीछे कार्य कर रही है प्रकृति, प्रकृति का कार्य है। प्रकृति जब चाहती है तब बड़े बड़े लोगों को क्षण भर में ध्वस्त कर देती है, और जब चाहती है तब किसी को भी ऊपर उठा देती है। तो इस प्रकृति में जो दिव्य उत्पात आया, यह दिव्य उत्पात, इसके लिए कहा कि ये मारी नहीं, मारी होती है, महामारी होती है। जब उत्पात होता है भौम तो मारी चैव महामारी, मारी कहते हैं उसको बृहस्पति ने कहा, और महामारी होती है जब अंतरिक्ष उत्पात होता है। मारी भूमि भौम उत्पात और महामारी अंतरिक्ष उत्पात, महतोत्तम मारिका, और जो महोत्तम उत्तम माने महामारी से भी महत्तम महामारी कह लीजिए, महत्तम महामारी जो होती है यही महामारी दिव्य होती है। और ये क्या होता है कि इसमें जब ये स्थिति आती है तो बहुत सारे लोग नष्ट हो जाते हैं, और न केवल मनुष्य ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं अपितु अन्य प्राणी भी नष्ट होते हैं। अब प्रश्न ये है कि कितने समय तक इसका परिणाम रहेगा। तो उन्होंने कहा, 3 लोगों का मत दे रहा हूं, वशिष्ठ का मत है, और बृहस्पति का मत है, और तीसरा मत है हमारे आचार्य वराहमिहिर का। तो वशिष्ठ ने कहा कि यह जो महामारी है ये कितने दिन तक चलेगी। तो उन्होंने कहा, भौमास्तु तुक्ष फलदा तदंतरिक्षास्तु मध्यमा। जो भौम का फल है वो तो कह दिया उसके लिए कि केवल 3 महीने, और जो वर्षा दर्धास तदर्धत, वर्ष भर चलता है दिव्य उत्पात का, 1 वर्ष माने जब से आरंभ हुआ, आरंभ ये अगर चीन को ही मान लिया जाए कि वहां से आरंभ हो गया है नवंबर अंत से, तो दिसंबर से गणना कर ली जाए तो इसका 3 महीने में समाप्त हो जाना चाहिए। लेकिन फिर कहा कि अगर वो भौम से बढ़कर के अंतरिक्ष है तब अर्धात वर्षाद, अर्धात वर्ष का आधा माने 6 महीने, और दिव्य है तो वर्षाद 1 वर्ष पर्यंत इसका प्रभाव रहता है।
लेकिन नारद ने और दूसरे वराहमिहिर ने और ये जो वशिष्ठ हैं इन सब ने कहा कि मासई चापिष्टा भी सर्वेशामेव फल पाक, सभी का जो फल पाक है मासई चापि अष्टाभि, आठ महीने पर्यंत इसका प्रभाव रहेगा। देखें जो भी वायरस आते हैं सर्वथा तो कभी नष्ट नहीं होते, कुछ न कुछ उनका स्वरूप बना रहेगा, लेकिन जो इतना बड़ा एक प्रकार का संकट उपस्थित हो गया है जब आठ महीने पूरे हो जाएंगे तो निश्चित है धीरे धीरे इसका प्रभाव समाप्त होता चला जाएगा और सभी स्वस्थ हो जाएंगे। ये बात मैंने अपने मन से नहीं कहा है, हम वशिष्ठ संहिता और बृहस्पति संहिता और बृहत संहिता वराहमिहिर की इसके आधार पर ये बात किया। और ये भी कहा गया कि जब ऐसी स्थिति हो तो इसकी शांति के लिए लोगों को अपने घरों में यज्ञ हवन अनुष्ठान आदि करते रहना चाहिए, भगवान का स्मरण करें, प्रार्थना करें कि हमारे किसी भाई के द्वारा हमारे लोगों के द्वारा ये संकट उपस्थित हो गया है तो कोई बात नहीं। हम लोगों के तो भावना आज से नहीं अनादि से चल रही है, हम तो यत्र विश्वम भवत एक नीडम, और हम शुरू से कहते आए कि पूरा विश्व एक नीड में हम रखते हैं, घोसले में आ जाता है, आ ही गया है वर्तमान समय में, हम लोग देश विदेश सर्वत्र सबसे बात कर रहे हैं। तो वहां हमारा क्या सबसे बढ़िया ये था जब हम ऋषि ने कहा कि हम प्रणवंतो विश्व मार्यम, पूरे विश्व को आर्य बनाते हैं, आर्य माने सुसभ्य सभ्य बनाना चाहते हैं, सब आर्य बने, तो विश्व को आर्य बनाने के लिए हमारा ऋषि संकल्पबद्ध है। और वो स्वयं कहता है पहले हम स्वयं शिव संकल्प मुक्त हो जाए, यज्जाग्रतो दूरमदैति दैवं तदसुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तनमे मनः शिव संकल्प मुक्त, मेरा मन शिव संकल्प वाला हो। तो हम सभी लोग अगर शिव संकल्प करें कि इस समय जो संकट विश्व में है भगवान से प्रार्थना करें, और सब शिव संकल्प करेंगे असंग रहेंगे परमात्मा से प्रार्थना करते हुए सबका भला हो, और विश्व बंधुत्व की भावना बनाए रखनी चाहिए। ऐसा करने से ही समस्त विश्व का कल्याण होगा, मानव जाति का कल्याण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कोई विशेष बात आज कहने की स्थिति में नहीं हूँ, और ये समापन सत्र भी है, बहुत काल बीत गया है, हम तो 1.5 घंटे से प्रतीक्षा कर रहे थे, पर भगवत कृपा से चलिए थोड़ा अवसर बना। आयोजक मंडल को सबको धन्यवाद, आप सभी लोगों को पुनः धन्यवाद देता हुआ सबके प्रति मंगल कामना करता हुआ अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, जयतु ज्योतिषम, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर फॉर सच अ डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ धर्म शास्त्र विद रेफरेंस टू कोरोना पेंडेमिक। वी आर ग्रेटली एनरिच्ड बाय द एक्सपीरियंस। नाउ आई फील एक्सट्रीमली प्रिविलेज्ड इन वेलकमिंग प्रोफेसर शिव के चतुर्वेदी सर, हु इज अ प्रोफेसर एमेरिटस एट ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी यूएसए of civil and environmental engineering and geodetic engineering. Sir is also an adjunct graduate faculty in biomedical engineering and comparative studies in humanities. He is known as a researcher, scholar, writer, speaker and practitioner. Today sir will elucidate on the topic revival of Sanskrit samskar yoga dharma tradition or meditation. So please honor us with your ideas. हेलो नमस्कार। नमस्कार सर। हाँ शुक्ला जी, जो है आई एम ट्राइंग टू प्रेजेंट द माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। यू आर ऑलरेडी द को-होस्ट सर, प्लीज स्टार्ट स्क्रीन शेयर। कैन यू सी द स्क्रीन? शेयर स्क्रीन, या बिकॉज इन द बॉटम प्लीज सी सर, शेयर स्क्रीन इज देयर। Yes, share a screen. That's what I'm trying to. Yeah, please click on that. Yes. And select the file. That's what I'm trying to select the file. It must be on the screen, that file. Yeah, it is. It is. So. So please select from there. That screen. It's not. It must be showing there. The different screens, the files which are open on the screen, must be showing there on the screen. Yeah, that's what. It's not okay.
when you click on the share screen, it shows the different screens of the desktop. Yeah, that's what I'm trying to do. Didn't it, sir? Yes, not really working. Something went wrong. So I'm very much sorry, and let me just take a few minutes. Yeah, sure. Just please give me a couple of minutes. Yes, sure, sir. No problem, sir. I want to. Yes, sir, it's coming. It's coming now? Yes, sir. Please continue. Thank you. I'm so apologetic for all this. No problem. Om Sri Gurubhyo Namo Namaha. Om Radha Krishna Abhyam Namo Namaha. Om Angirasaya Namo Namaha. Om Kapilaya Namo Namaha. Om Gargaya Namo Namaha. Om Namo Dharmaya Mahate. ओम समस्त मातृशक्ति को नमो नमः, समस्त विद्वज्जनों को, समस्त श्रोताओं को, समस्त वक्ताओं को मेरा बारंबार नमन. एंड माय स्पेशल ग्रेटिट्यूड टू प्रोफेसर शशि तिवारी जी एंड ऑल द ऑर्गेनाइजर्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू शेयर सम ऑफ माय योगिक एक्सपीरियंसेस. As for some of you, I may be kind of an outsider because I have not been trained formally in the Vedic wisdom tradition through Sanskrit language. Sanskrit was taught to me till high school, then I have to go to sciences. You cannot take a Sanskrit as a course. That's the greatest tragedy I have in my life. Now I've been realizing. So my really journey of sadhana started 40 years ago when I came to US directly from IIT Kanpur. And I'm from village. So basically this, my professional description on this first slide may appear to be misleading. Because I am basically a Gamar Dihati. And I still consider myself to be Gamar Dihati. So what I am going to do here, I am planning to share some of my experiences
for last 40 years being in the academic world and intellectual world of the modern America. I'm a student of all wisdom traditions of the world. Veda Yoga Dharma traditions, non-Vedic wisdom traditions. So you can call me crazy. Main pagal, mera manua pagal, pagal mere geetre. And I mean it. So within this, and I work on the foundations of the ideas. I do not work on the superstructure, because a lot of you have been working on the foundational ideas as well as superstructures of ideas. But I work on the foundational ideas and how they come across in different disciplines, whether A through Z, anthropology to zebra, all kinds of sciences, all kinds of humanities, all kinds of arts. I look at what the foundational ideas are and how they can be looked at from unified point of view. So with this introduction, I'm going to address not the physical virus problem, but the virus problem that has been creeping in, has kept in for a long time in our man, buddhi, ahankara, chit. And that has something to do directly with what you call the next slide, please. Yes. The basic premises I'm going to work in is the untranslatability of the Sanskrit-based technical and philosophical terminology into English language on one-to-one basis. Consequences, pollution, corruption, and uprooting of Vedic ideas and concepts and worldviews. Fundamental issue, very, very basic issue. Next one is the freezing and caging of basic principles and practices in the field of Sanskriti and Sanskar for hundreds of years. We have not done any new innovations under modern context. Poor or faulty or no interpretations, very poor articulation and narration, and corrupted practices. And I have my big experience dealing with the world around, actually last year during Mahakumbh Mela, I was there for 10 weeks touring India, many places, and I gave several talks. And I talked with different, many intellectuals, including many in the Allahabad University. And I noticed a lot of disappointment, a lot of frustration. We have a lot of wisdom, the big wisdom in our Vedic wisdom traditions, but it is frozen. It has not been articulated, it has not been used. It is still not being used. So this is what we call the, what are the consequences? Deep, dark ignorance, meaninglessness, and irrelevance to contemporary human experiences. So this is what I'm going to focus on, the freezing of the basic knowledge and untranslatability of the Sanskrit-based term. So primary objective is to identify, critique some of the fundamental flaws and drawback through some few examples, because time is very short. To call for a change theory and practice through spirit of notion, this is a Vedic notion, starting very well, very much from the Rigvedic tradition. Continuity with innovation. How do we redesign for modern times, all the knowledge-based ideas that will address the modern human experiences. It is only through continuity with innovations. So limitations are, present talk is broad and deep, tip of the iceberg, too short, I have to teach a full semester course. To address some of these issues, this is a part of my greater project underway.
And this talk will present more questions than the answers. Let's look at a couple of examples. If you look at widespread everywhere, widespread phenomena, even in what is so-called the many Sanskrit scholars, many publications, they always comparing Sanskriti versus culture. We use the word Sanskriti, those who are educated in our Vedic wisdom tradition, but when we translate them, we use the culture. Culture is called the totality of socially transmitted behavior patterns, lifestyle, artistic, peculiar to society, intellectual, artistic activity, totality of a particular set of people or the civilization, totality. All kinds of behaviors, all kinds of expressions, internal or external, on individual level, family level, social level, national level, all those are called the culture. And if you really want to talk about the culture, if you catch hold of the German people and catch hold of the French people, and you ask them, do you understand what I'm talking about? They will not be able to understand each other because the culture understanding and ideas are very much different. So Sanskriti is not the totality of behavior pattern, not the totality of artistic expression or intellectual expressions, but only those patterns, only those expressions, only those ideas through manasa vacha karmana that enrich, enhance wellness of all human beings and non-human beings at every level, from individual to international, the cosmic level. Only those aspects, only those drives, only those motivations have to be called Sanskriti. So it's a Sanskriti yoga. Now, if you go back to the first time I figured it out, the first time the word appears in the Rig Veda, Panchme Mandal Me 76.2, Sanskritam. That's the first time appears, the Sanskritam. And this word is really directly related to what we call the field of purification, pavitrata. It has a lot of meanings. It has, for example, a sense of education, cultivation, training, refinement, perfection, impression, consecration, sanctification, idea, notion, contemporary effect of work, merit of action, all kinds of these words combined together even will not address the word Sanskrit. So basically, I call it Sanskriti yoga. I'm expanding actually the whole yoga system to include what you call the adibhautic dimensions, which have not been included in our yoga practices and yoga theories. Anyway, and then what is the just opposite to Sanskriti yoga, leading to tamasic field of human nature, suffering and bondage, I call this up Sanskriti yoga. That's the term I use. For example, hundreds of terms, for example. So the concluding remark is the field of, I call the field of ajnana or nascence, using the equivalence indiscriminately as Sanskriti versus culture, fundamentally flawed. Common slogan, if you go back and look at the Supreme Court decision on how to define Hinduism. They say, well, that's the way of life. It's a meaningless statement. Every world, every kind of people, even group of people, societies who are unethical, have been unethical,
immoral actions, that's also their way of life. It's a fundamentally incorrect understanding because of the English translations. Let's look at another idea, Atman or Purusha versus soul or spirit. I had presented this paper in 1994, International Vedanta Conference, and accepted the challenge of the philosophers, thinkers from around the world, more than 250 participants. You already know the Atman, so I will not talk much about it. It's a too crowded slide, but let me talk about the soul and spirit. In Hebrew, this is called Ruach. In Latin, called Anima Spiritus. In Greek, it's called Psyche or Pneuma. In German, it's called Nous or Geist. In Old Testament, Nefesh, which appears more than 700 times. In New Testament, that is called soul and spirit. That's a Greek psyche. If you look at the dictionary, you'll find out the same kind of description over and over and over. And contemporary ideas, if you look at the whole world, good souls, beautiful souls, deep souls, large souls, wicked souls, sick souls, foolish souls, food for souls, physical therapy for souls. Yes, they're perfectly valid for souls and spirit. They are not valid at all for Atma. Fundamentally different. So confusion is that we are mistranslating. Look at the internet, look at some of the learned people who have mistranslated so brazenly, so bluntly. So actually, the person's mental or moral makeup, that's what the spirit or soul means. It does not have any resemblance or with the Atman or Purusha. Look at the one example. The Christian Bible. At death, the soul ceases to think or feel, it returns to the dust from which it was made. And I have given you the exact references from the New Testament. Consequences, uprooting the empty Atman. No rebirth, no laws of karma, only one birth, one death. The world process history are linear, unidimensional in the whole Western world. Western world can be divided into two, actually, divisions. The ancient Greek tradition, that's where my journey started with. Ancient Greek tradition was different, non-linear world, world of the Plato, Pythagoras, pre-Pythagoras. There was non-linear world, the context-dependent world, just some very lot of similarities between our worldview, Vedic worldview and the Greek worldview. After the Judeo-Christian tradition took place and empowered the Greek tradition was destroyed, we do not follow any Greek tradition in the Western world. This is a new Western world where we have a linear, unidimensional thinking. And our Indian new generation, including so-called educated high-ups in the positions, they are all linear thinkers. Unidimensional thinkers. So contemporary derivative spirituality, everyone is talking about spirituality, which is related to psyche, hundreds of definitions. Another term has come up recently, I am not religious, but spiritual. I don't know what you're talking about. Absolutely, it does not make sense at all. To me, living in 40 years in America, I have seen this, how it has come, why it has come, I don't want to discuss more about it, but all the derivatives are meaningless. They do not mean anything. You can say, well, I'm not going to put mask on. Okay, I don't care because that's my spirituality. That's what people are telling here. That's my spirituality. So replace term spirituality by dhyatma. Even dhyatma is not a most appropriate term.
Adhyatma is a field concept. Spirituality is a field concept. They have some correlation. Better term will be, sattvic guna mode. Idols, all the time you will see in the news media, popular media, and political leaders, religious leaders, talking about idols. Mandir mein idols hai, hum idols worshipper hai. Idols means in the Judeo-Christian tradition, Islamic tradition means the false gods. Ishwar Allah ekai naam sabko sanimati de bhagwan. You ask the other people who talk about Allah, they will not accept it. Because our other gods are false gods, not the real one. Why we have translated the, why we cannot call Murti, Pratima, Vigraha, deity? When the greatest tragedy happened when Sanatana Dharma Kshetra became religion. It gave us so much backwardness. It gave us so much trap and darkness, because it gives rise to all religions are same. Then secularism came up, pseudo-secularism came up within the Indian constitution. Throwing the entire wisdom tradition, Vedic wisdom tradition, into Department of Religious Studies. If you walk down, I have been an applied scientist, I was also professor, adjunct faculty in the comparative studies. When I used to walk down in their departments, and they will ask me, where you come from? I say, well, I'm faculty in Department of Civil Environmental Engineering. He said, what the engineer has to do with us? Why are you walking here? Similarly, you distinguish people. So wonderful, full of knowledge. I'm learning a lot from this seminar. If you walk down to the aisles of science and technology, arts, and you say, well, I'm from religious studies. They say, what are you doing here? You don't belong here. I have identified hundreds of such terms which cannot be translated one-to-one in English. And unless we purify our language, our language must be Sanskrit terminology-based language. We are not going to achieve what you call Bas Dhaiva Kutumbukam. This Nara is a slogan, empty slogan. It has no meaning, no relevance. Look at the Western world. I'll give you just one slide here. Western, this is called the categories, broader categories of the entire Western human experiences can be divided into three different compartments. Field of arts and aesthetics, sociology, anthropology, psychology, human sciences. Field of rationality, philosophy, reason, and field of all sciences in one category. And then field of religion, religious ethics, and mental ideas of God and gods and salvation. These three divisions, field of religion and field of philosophy and field of sciences, they do not overlap. They are mutually antithetical. Ek dusre ke paraspar virodhi. Abhi tak yahan jo hai, they are trying to work out the bridging gap or marriage between field of religion and field of rationality. That's what happened. We have not this problem. We created this problem artificially. Ke dharma nirpeksh term jo add kiya gaya. Look at the original debate. I have looked at the original debate in the Constitution of India at the time formation was going on. Read Dr. Sampoornanand, speeches and essays. They could not find out a proper term. They write down dharmanirpeksh, which is really adharma. Because the religion, if you ask me, what is your understanding about the constitution, the Supreme Court of India? I claim majority of the Supreme Court justices who are going to decide on important cases related to Hindu Vedic wisdom,
they will understand, try to understand through English translations rather than the original understanding. English translations were corrupted. This is the state of affairs, my dear listeners. So now, field of sanskar. This is the map that I use. Sanskar dharma kshetra. Sanskar term itself is not enough in the modern times. Sanskar dharma kshetra. And then sanskriti dharma kshetra. These are within the kshetra of called adhyatmik dharma kshetra. This is the metric. This is the big picture. And the overlap, depending upon how much overlapping can be done. So basic, if you go back to the sanskar, there are 16 sanskars, in some places 10 sanskar, in some places, you know, 5 sanskars. And nowadays, you know, I will talk about it a little later. Sanskar basically are the following steps, following primary characteristics or ang, initiation, growth, and sustenance of sattvic yogic way of living. Nirodha and control of internal, external causes of ailments, just like corona or other viruses. Sanskriti dharma kshetra and sanskar dharma kshetra are entangled. Sometimes you can separate them, sometimes you cannot separate them. They are all together, entangled. Sanskriti dharma kshetra in general is the exterior manifestation of interior sanskar dharma kshetra. So there is the interiority. Man, buddhi, chit, ahankar, antahkaran mein kya virajman hai, kya baitha hua hai, antahkaran ka swaroop kya hai, wo bahar jo hai kanchi prakat hota hai, jo bahar ka swaroop jo hai kanchi, wo sanskriti kehlata hai, andar ka swaroop sanskar kehlata hai. Sanskar se sanskriti banti hai, aur sanskriti se sanskar banta hai. My goodness, I love paradoxes. I work on the paradoxes in every field of human knowledge. So what happens? Current uprooting state, two examples. Janma Divas celebration. What we call, we read the mantra. Tamso ma jyotirgamay. We read the mantra. Tamso ma jyotir. What we do really? Ritual blowing of the candles, which are highly contagious, blowing out candles sitting in the cake. And what we do? We are actually doing the things just opposite. Jyotirma tamso gamay. That's what we are doing. See, there is a fundamental disconnect in our mantra tradition and in our what we actually do in the practice. Ritual cutting of cake into pieces, the act of poyoga. You are whole, you are making into parts, cutting right here at the, this is a ritual. Cutting is a fundamentally kuyoga. I have designed, look at it, you know, I'm giving you one my own self-advertisement because I know better myself than anybody else can know. I've been doing the same thing, blowing the candles out. But when I started learning, what do we do, why we do, what we do, then I realized, no, something has to be done. Look at, you know, your world. World of India. Look at the world. I have seen people in YouTube, many, many sages, many sannyasi so-called, many, many prominent religious leaders, many, many Sanskrit scholars, when they do this in their homes, they follow the new guru called the Bollywood. Nothing new has been, they had to replace with something, which is based on the fundamental principles of Vedic wisdom tradition. And I have done that, and that has been implemented. Wherever I go, I celebrate accordingly. If you are interested in, I can send you a lot of my articles. My email is given to you. And start celebrating with those understanding. So, Vibaha Sanskar Yoga Dharma. We use the word marriage and wedding. I have been collecting a lot of hundreds of cards, what you call the
vivaha cards which you print out in India. Educated people, they use the word marriage and wedding. They will never use vivaha sanskari udhar. Marriage and wedding, my dear devotees, my dear friends, my dear distinguished listeners, it is fundamentally legal contract. It has nothing to do with sanskar. And that's why we use in-laws. Aaj koi saas sasur kehna, mama chacha kehna jo hai, bhool gaye log, in-laws kehte. Kyun? Because this is very legal. All the way from Greek, all the way go back to Greek, wedding and marriage are fundamentally incorrect. They are only legal terms. So concluding remarks, we must start using Sanskrit language based technical terminology and define it. Ab yoga paschim jagat mein jo hai, yoga prasiddh ho gaya, guru prasiddh ho gaya. Hum apni technical terminology kyun nahi use kar sakte? And tell the world this is what it means. We must start purging out corrupted narrative interpretations. I can give you hundreds of examples which have been published. We have to re-examine entire field of Sanskrit sanskar and redesign with the Vedic spirit of continuity with innovation. And then we have to think about how to implement authenticity. In vivaha sanskar today, for example, what has happened is hurdang. Bharat mein hum bahut vivaha sanskar dekhe. Balki America mein hum vivaha sanskar jyada achhi tarah se karte. Raat ko 12 baje ya 2 baje जो है कंचे लड़के और लड़की को वर वधू को बुला के जो है फेरे डलवा दिए जाते हैं. कोई आसपास नहीं होता, ना पंडित जानता है वो क्या कर रहा है और ना लड़के और लड़की जानते क्या कर रहा है. आई हैव नॉट बीन ट्रेन, आई हैव नॉट बीन एजुकेटेड इन माई ट्रेडिशन ऑथेंटिकली व्हेन आई वॉज बॉर्न, व्हेन आई वॉज रेस्ड इन ए स्मॉल विलेज, बिकॉज माई पेरेंट्स वर नेवर एजुकेटेड. So we are dealing with the what you call the, now let's look at the new ideas coming up in social domain. Many psychological and new trends are coming up and we had to face all this. Vivaha sanskar for homosexual and transgender relations, how we are going to deal with it? How we are going to deal with it? Another very important thing that I have looked at, for example, very carefully to all the dharma shastra belonging to all the four Vedas, Graha Sutras, especially looking for the vivaha sanskar. But they have done wonderful, beautiful job, which was valid at some time back. Today, we have to do changes, innovations, modifications, because none of those sanskars, none of those Graha Sutra talk about it. What happens after the vivaha sanskar is completed? They move to grihastha ashram. What are the new dharmas of grihastha ashram that we have to deal with? No, it is not. They have some rituals to talk about when you do, when you move to the grihastha ashram. But what really you have to do, manasa buddhi karmana, what really you have to do once you enter into the grihastha ashram? I presented actually in Waves in India several years ago, the grihastha ashram versus the modern scientific paradigms. So with this small note, I don't want to run out of time too much. So, I with my folded hands, I request everyone to do two things for me. One is, please forgive me for my idioticness, for my offenses. I want you to forgive me. And second thing, please give me your blessings. Give me your blessings. Most am deen and deen hit tum saman ragbir. Most am deen and deen hit tum saman ragbir. Or meri param nishtha Vedic rishiyon se hai.
और सत्य में विजयते। थैंक यू सो मच, यू आर सो काइंड, यू आर सो वंडरफुल, यू आर सो थॉटफुल. आई बाउ डाउन टू एवरी वन ऑफ यू अगेन एंड अगेन. नमस्कार. थैंक यू सर. Divya ma'am? Yes, sir. Thank you, sir. So, am I audible? Yes, please. Thank you, sir, for such a lively and radical presentation. You have offered a new perspective addressing the foundational principles. Your emphasis on a need for innovation will definitely be looked into by great Sanskrit scholars attending the seminar. Now, moving forward, I welcome our next speaker, Dr. Vivek Tiwari, sir. He is a senior director of engineering at Intel Corporation. He has pursued his education from IIT Delhi and Princeton University. He is keen on sharing his passion for birds and nature, and raising awareness and support among people for environmental conservation around the world. During his free time, he organizes nature trips to India, and he is also the coordinator of the South Asian Natural History Network. Dr. Vivek has studied and collected great materials and photographs of birds of different countries. Today, he will elucidate on the topic, rediscovering the human connection with nature, in reference to birds. Please, sir. Thank you. So can everyone hear me okay? Yes. Audio is, yes, okay, thank you. So thank you everyone for giving me an opportunity to share my passion for birds. I know this is somewhat unrelated to the main theme of this conference, but hopefully I will be able to make the connection back to our Indian traditions, as well as to what's happening with COVID and how this time of COVID is helping people rediscover their connections with nature. But I want to make it more of a personal journey, and I want to share my personal perspective. I do want to say that all the photos taken that I'll be showing, and I'll be showing basically pictures, they're all taken by me or my son, Vayun. So this is, we feel very lucky to be able to go out, take pictures, and then bring them back and share them with everyone else. So just to start the talk, you know, I have this one Sanskrit quotation, and this will be the only Sanskrit quotation in this talk. So I have to apologize for that. I'm not a Sanskrit scholar like everyone else here, but I found this one to be very appropriate. Vihag iv muktaha, which I think translates to free as a bird. And I thought this was very appropriate. And as you all know, my mother is Dr. Shashi Tiwari. I'll just call her mom for the purpose of this talk. So she's an etymologist, as you know. So when I ask her about a translation, she doesn't just give me the translation, she also gives me the root behind the words. So according to her, vihag actually is a deeper meaning, means something that flies. So in some sense, it can be more than birds. So something which doesn't have borders. So birds don't have borders, birds fly, but so does corona. So our coronavirus has no boundaries, and it's everywhere. And I'm sitting here in California, Dr. Shivesh is in California, I think Dr. Indrani is in Trinidad, everyone here is in Allahabad or Delhi, but we are all in lockdown. We are all affected by the same corona, which knows no boundaries. So it has brought us all together. So in terms of a quick personal journey, this is my family, this is mom here. And and apologies to Dr. Shivesh that this is a birthday, 16th year birthday. So we did cut a cake, but we also have some gulab jamuns. So we tried to do both traditions. My interest in nature really started very early on. Growing up, mother used to talk about Kalidas, and you know, Kalidas's writings are just steeped with nature, references to nature. When we were in very, very young, my mother and dad, they actually went to Varanasi when she was working on her first book, the Rig Vedi Aprishuk. So she was in Varanasi working on the book, and we were staying with our Nanaji in Lucknow, in Awas Vikas Colony.
And Awas Vikas Colony had recently developed, so it was still pretty wild. There were still some forests around there, there was farmland. So when we were staying there in the summer, Nanaji used to take us on long walks, and he would point out various things to us. And I was born in Lucknow, and we used to go there all the time, and there's places like Residency there and a beautiful park. I hope it's still there. So early on, we used to be fascinated with nature because of our family. And then later, when I was in school in Delhi, and mom was in Maitreyi College, so she had access to the library there, and she would bring back books from there. And this particular magazine, this was one edition of National Geographic. It was about the rainforests of South America. And this picture, and then this whole particular magazine, that edition, was so fascinating to me. So as a young kid in Delhi, I would read about this, and I felt like I had to go out and explore all these places, and I think that developed my interest, and that eventually led me to school. So I went to IIT Delhi, and there was a nature club, and it was at part of that nature club when I really started getting into birds. And we were on a trip to Rajaji National Park, which is in near Haridwar. It was a nature club trip. Is my video still working? Okay. Yeah. So it was a nature club trip to Rajaji National Park. And then this was the first bird I saw. And this is what got me into birding. This is a golden oriole, or Indian golden oriole. In Hindi, it's called tilak. The first bird I saw, as you can see, is very hazy. So it looked exactly like this to us. We were looking through old binoculars, Russian binoculars, which is all we had in those days. One binocular that shared between 20 people. But the first time I saw this bird, and it gave a call, a beautiful call. And from that point onwards, I was just hooked onto birds. And during my undergraduate at IIT, I spent a lot of time going around places in Delhi, in Okhla. Eventually, we went to South India as part of a nature camp through the World Wildlife Fund. This is some of my classmates, and we met other people from India at that time. And while this is near Kerala, the border of Kerala and Tamil Nadu, in what's called the top slip area. And there, for the first time, I saw this bird. This is the great Indian hornbill, a great pied hornbill. Huge bird, and this is a symbol of BNHS. In Hindi, this is called Banrao. And the first time I saw this, I was so amazed at the fascination with what nature has in store. And I didn't even know that these things existed in India. But from that point onwards, I wanted to see more and explore more. So when I went to graduate school, in the US, in Princeton, there I met some other people, other birders. We had people from all over the world, graduate students, some from Africa, from South America. I used to talk to them. And from that point onwards, I kind of developed my interest further. And this is a cardinal. This is a bird in the US. This was the first bird I saw in the US. I was amazed that I used to think that only beautiful birds are only in India, but that even in the US, there are beautiful birds. So that's how it all started for me. And then since then, I've been in California. I've been working in technology. But technology is what I need to do to earn a living. It's also what I like. But my real interest is in birds and nature. And luckily now I'm able to spend time with my son. So he's 15 years old, and he's become a great photographer himself. And he's taking pictures like this. So this is a bald eagle. I guess in Hindi we'd call it a garud. So this is a symbol. This is the national bird of the US. And this picture was taken near our home. Okay, so with that introduction, right, why are we fascinated by birds? So obviously the first thing we think about is beauty. Right? This is the Indian peacock, the mayur. I think you will all agree that this is perhaps I've seen a lot of birds around the world, but I think this is still the most beautiful one. It's just so fascinating, the colors and the size and everything, right? The display, monsoon in soon in India, this will be the time when all the moors, the mayurs will be starting their dances at the onset of the monsoon. Beautiful, but around the world, lots of beautiful birds. So this, what I do is every year at Diwali, instead of fireworks, I collect some of my pictures from that year, what I call the natural fireworks, and then I share them in social media. So this is a collection of my Diwali greetings from the last few years.
And it has birds from India, from South America. I think if Dr. Indrani is still on, this is a bird from Trinidad. This is a Trinidad motmot. This is a ruby topaz. These were all taken from near the capital, in fact, in Trinidad. But as you can see, birds are everywhere and they're beautiful. So obviously that fascinates us. And this is why poets like Kali Das and others have always talked about birds, and they have an important place in our culture. I think it was Dr. Satya Prakash. He was talking earlier and he was showing examples from our archaeology where there are symbols of nature in our ancient traditions and archaeology. That's because of their beauty, right, that comes across. But what fascinates me more is also the scientific aspects. So one of the most important things in my mind is understanding evolution of birds or biogeography. Why do certain species occur in certain areas and not in other areas? So I'll give a very familiar example for you all. This is a rose-ringed parakeet, right? Like in India, we'll just call it a tota or desi tota. I'm sure everybody sees this. If you go out right now or tomorrow morning, if you step out, you'll probably see some in your neighborhood even. And this was taken in our rooftop from my mother's, from my mom's apartment, Sakshara Apartments in Pashchim Vihar, right on the top. So everyone knows the desi tota. But if you want to see this tota, you can go to Africa, you can go to Southeast Asia, and you can obviously come to India. So a lot of places. But if you want to see this, this is in English, it's called the blossom or the rose-ringed, the plum-headed parakeet, because it looks like a plum. In Hindi, this is sometimes called Pahari Tota or Gulabi Tota. Actually, the right name should be Tuya Tota, because it has a call which is very different from the other one. Now, if you want to see this one, this Gulabi Tota, you have to come to India. It's not found anywhere else in the world. So very similar species, Desi Tota versus Gulabi Tota. This is found in a lot of places. This is only found in India. Why is that the case? Right? So that's what I find fascinating. Then if you go to the Himalayas, there is this one. It's called a slaty-headed parakeet. So you can see the similarity to these, right? So, but they are different. They're different species. So to me, this is interesting. And then if I want, in India, we have around 1,300 species. And in the world, there are more than 10,000. But in India, it's 1,300, one of the most diverse countries in the world in terms of nature. And so I have traveled to many parts of India, actually all four corners in pursuit of birds. I just wanted to share a few kind of, you all know this, right? It's in our national anthem. But every corner of India, it's so diverse, there are different things. So starting in Gujarat, this is our in extreme west in Gujarat, Thar Desert. So you have deserts. You have the whole desert tradition there. Then you have the Kutch, the Ran of Kutch. This place is called the Banni Grassland. This is what it looks like in winter. But after it rains, this whole thing is lush green. And the Banni has an entire cultural tradition there about, and they talk about Banni Grassland as paradise on earth. So this is on Gujarat. And then you come in and large parts of Kutch and large parts of Gujarat or the Aravali Hills, all the way from Delhi till Gujarat, you have the Aravali Hills and you see landscapes like this. And where they are still undisturbed is a beautiful forest with kikar and babool and acacia, dry forest. Then let's go to North India. So we go to the Himalayas, and this picture was taken from near Nainital. And this is the greater Himalayas. This is Nanda Devi back here, one of the highest mountains in the world. But if you go there all the way from these high peaks, which are 22,000 feet and higher, Nanda Devi, I think, is like 23,000 feet, all the way to the foothills, the Tarai region. So this is the Tarai region. This is Rajaji. This is actually Jim Corbett National Park. But this is similar to what you find in Dehradun or in the Terai area. Great wildlife there, elephants, etc. Right? And in fact, I wanted to just mention that we have the Kumbh Mela coming up. This time the Kumbh Mela is in Haridwar. And I read a proposal that the Modi government and others, they are proposing to convert almost 700 acres of Rajaji National Park. They want to use it to as part of the arrangements for the Kumbh Mela, right? So that makes me pretty sad because Rajaji National Park on the banks of the Ganga River in Haridwar is a beautiful place, and I think it needs to be preserved. Moving on to the extreme east of India. So this is in Arunachal Pradesh, right on the border with Burma.
totally diverse area, very different from everywhere else in India. This is Namdhapa National Park. Real rainforest, very tall, wild area. I went there many years ago, and it's still pretty wild. And we went on an expedition. And so we actually needed to bring porters with us. And these are Chakma refugees who are settled in Arunachal, the Chakma refugees from Bangladesh who are settled there. So they were actually the ones who were carrying our materials. So we went for 3 to 4 days in the jungle, beautiful time, and seeing species which I've never seen anywhere else. Then you come into Assam, and you have the tea gardens, right? Totally in the hill tribes. It's amazing how much diversity there is in India. This is a place called Dibru-Saikova National Park. Tigers. So we were walking around and we saw tiger pug marks. So, and then you go all the way to the South India, entirely different landscape. You have the Nilgiri Hills there, the beautiful blue mountains, coconut plants. You know, South India is very different. I don't know why this line is coming here. I think somebody must have drawn something here through WhatsApp. So I don't know how, maybe it'll stay here. So anyway, in South India, you have waterfalls, tea gardens, again, lush rainforests. This is Aravikulam National Park. This is the highest peak in South India. So hopefully you get a good sense of the diversity in India and all the four corners. But then you come back to Delhi, and Delhi, right in the North India, in the plains of Delhi or the plains of the Ganga, is one of the, to me, is one of the most interesting areas. This is a Saras crane right outside Delhi on the road to Agra. And this area of the Ganga Yamuna plains are right in the middle of farmland, has the largest population of Saras cranes in the world. And you know, it's a Hindu tradition, the Indian tradition, Saras is considered a good holy bird or an auspicious bird, and nobody hunts them. Anywhere else in the world, these birds would be hunted and eaten. But at least in the plains of Northern India, they are still honored and they leave them alone. And then this is near Gurgaon. This is Nilgai. This is a wild animal. You can see the houses at the back. This is urban environment, but at least a few years ago, we still had wild animals like the Nilgai running around in the urban environment of Delhi. So, and in fact, Delhi is one of the most diverse places in terms of birds. And one of my favorite places to bird watch is right on top of our apartment in Delhi. This is Sakshara Apartments in Pashchim Vihar. You would not think of this as a wildlife habitat, right? You will not believe, you would say, why are there any birds to be seen here? Maybe you see a tota or a kawa, but other than that, what will I ever see here? I have actually seen 70 species so far, and I've not been able to travel for the last couple of years, but sitting here in the morning, I wake up, I go straight there. My mom and dad will say, chidi mar, chhat pe pahunch gaya, fir se chidi mar. But I just love doing it. And I spend my time like this while I'm on the rooftop there. And then you see this peepal tree. This is a little peepal tree right in the middle of a shopping complex behind a Punjabi Angiti and Maharaja tent house. There is this nice peepal tree. And just this one tree alone has so many species of birds. And here's an example. I showed you the Desi Tota and the Gulabi Tota before. So right here on one tree, on that one peepal tree, you can see the two parrots right there. And then while we are there, there's a third species of parrot. And I wonder how many people realize this. But this species is called an Alexandrine parakeet. In Hindi, again, people don't make a distinction. They again call this a Pahadi Tota. But this is a different species than the rose ring parakeet. And notice the bill, how big the bill is. And you'll notice that our regular Tota, Desi Tota, is a small bill. And so this Alexandrine parakeet is right there, right in the rooftop in Delhi. So just an example that there's a lot to be seen if you pay attention. So I want to show just a few examples of what I mean by that. This is a manna, or Desi manna. You probably see it everywhere, right? This is again from the rooftop. But I don't know if you notice here, if you notice the eye, you may not see it on the screen, so I'll blow it up here. Look at the eye. This looks like it has eyelashes here. And then look at the string of pearls in the eye. And if you look at the field guides, the scientific literature will not talk about these eyelashes and these dots. But if you look, if you notice carefully, if you really open your eyes and see, you'll see things like this. So anyway, that's the common manna. But there's another manna.
This is called a Pied Manna. This is a Bank Manna. In Hindi, some people call it a Ganga Manna. Very similar, but different. Then this is a Brahmani Manna. I think it's called Brahmani Manna because originally people thought that it has a choti like a Brahmin. So this is a Brahmani Manna, third species. And finally, the fourth species, this is a Pied Manna. So four species of manna, all possible from right in the rooftop in the middle of Delhi. So there's a lot of diversity if you open your eyes. And this brings me to one of my main topics today is seeing versus looking. So we can all look, right? We see, we look at a bird, but are we really seeing? Because if we see, we will notice a difference. So so far I've given you examples of a tota and a manna. So now let's look at a kauwa. So this is a crow. This is called the Indian crow. I'm sure you have all seen it. But do you realize that there's another species which often exists right next to it? And here there is a side-by-side comparison of the two. So this is our Indian crow. And this is what's sometimes called the jungle crow. And they are together in most places. You just need a little bit of greenery. And like in a park, this is in Lodi Garden in India, in Delhi. So the two species next to each other. So next time when you see a kauwa, maybe you want to, instead of just looking, you want to see, and you might see a difference. You might see something that it's another species altogether. Another example, it's my favorite example. So this is a kabutar, right? This is what in India is called the rock dove, the scientific name, or the English name is rock dove. This is a regular kabutar. But if you really see and you look hard, you'll see something different. And this is the same peepal tree. I will give you a second here to see if you can notice something in this picture. So there are two pigeons on this tree. And it's possible that you may be able to say this one. But if you look carefully, there's another one down here. So these are green pigeons. And many people don't realize that we have the regular kabutar, but then we also have this hara kabutar or harial, as it's called. Fascinating, beautiful yellow colors. This picture was taken near the district park in Paschim Vihar. And when I point this out to people, including mom and dad, they know that there are, you know, green pigeons, but they've never really noticed them. And if you look hard, you will see them. So seeing versus looking. Here's another example. This is, in English, this is called a brain fever bird. In Hindi, this is a papiha. In English, we call this a brain fever bird because its call is brain fever, brain fever, brain fever. In Hindi, people hear it as papiha, papiha, papiha. So the reason it's called a common hawk cuckoo is if you watch it fly, it looks like this. This is the same bird. And then this is actually a hawk. This is a shikra. So if you look carefully, the hawk cuckoo, when it flies, looks like a shikra or looks like a hawk. And this is part of its evolutionary mimicry. It's called mimicry. Even though it doesn't eat other birds, because it looks like a hawk, it can scare away other birds, which gives it an opportunity to feed versus other birds. So in evolution, this has happened. So even in nature, there's a difference between seeing and looking. When something like this, they look similar, but they're totally different. So, and then if you keep keeping on that theme, once you start looking and you start observing nature around you, you will see that there's a lot to be seen. This is the same district park. This is called a large green barbet. In Hindi, this is sometimes called a basant, a bada basant. Very common bird. When I went there to this Paschim Vihar district park, I was taking pictures of this. So many people stopped by and they asked me, "Kiski kya dekh rahe hain bhai saab? Kya kiski photo le rahe hain?" And then I would show them and then they were like just shocked. I told them, "It's right there. So aap log har din aate hain is ped ke niche. Aapne kabhi dekha nahi hai, ye ped isi ped pe rehta hai. Ye bada basant." And then this is another one. This is a copperspit barbet, which in English is, in Hindi is called a chota basant. Very small bird. It's everywhere. If you have even a few trees or you have a garden nearby, you will hear it's called tuk, tuk, tuk. You hear it all day. So there's a lot to be seen if we pay attention. So one thing I did want to say is like, you know, there are 1300 species. If you go to Sanskrit literature, it's very hard to find the names. Like when I was looking for this, besides Bada Basant and Chota Basant, I don't know what the names are, the real names are in Sanskrit or Hindi. And
this has led to some challenges. So one example of this is this bird. This is a neelkant. So we all know about the neelkant and the story of neelkant and how it relates to the story with Shiva, right? When Shiva drank poison, his kant or his throat became blue, as you can see here in this bird. And so therefore this bird is called the neelkant. But this bird is actually not found all over India. Most places in India, you have this version. This is from near Delhi. And you will notice that the throat or the kant is not as blue as in this bird, which is in other parts of India. So when we talk about the neelkant, was it somebody referring to the bird found in North India or the bird that's found in East India, which has that blue throat? And so there are examples like this. I think that one of the most interesting example is Saraswati and Hans. So we know that Saraswati Devi's ride is a Hans. A Hans in English is a swan. And if you look at pictures of Saraswati, she's riding a swan. Except swans are not found in India. There are no swans. If you think of in the old days, if you think of Afghanistan as part of the extended India, it's possible that on extreme edges of Afghanistan, sometimes we get swans, but rest of India, there are no swans. Instead, what we have in India are geese, which in Hindi, in Sanskrit, and Bengali, they're called Rajhans. So why is Saraswati's Vahan a bird which is not even found in India? So there are a lot of paradoxes like that in Indian literature. And this is one of the classic references. So I wanted to bring it up here in case people, Sanskrit scholars here, want to investigate this further. This is a book by Professor K.N. Dave from Motilal Banarsi Das. It's still available. It's very expensive. But I'm sure maybe some people here have connections with Motilal Banarsi Das, may be able to get it. But this is a very thoroughly researched bird, a very researched book, where he has gone through all ancient Indian literature in Sanskrit and trying to see the actual name of the species correlating with the modern names. So I would recommend this book. And while we are on this, part of the challenges with the names is there's a lot of misinformation. So I want to give this example. This went very viral recently. This is a Jatayu found in Kerala. So the notes went out and said the Jatayu bird from Ramayan, it has been rediscovered in Kerala. And obviously I was very suspicious of that. So when I looked at that video, just a little bit of research showed that this video, which was going out on WhatsApp and was claiming to be the Jatayu bird from Ramayan that's found in Kerala, is actually a condor. It's an Andean condor. And this picture was taken in Argentina a few years ago. And this was an injured bird and people were releasing it. So you have to be very careful what you read on WhatsApp and what you read on the internet. And by not having good names, of Indian names for these birds, it leads to the confusion. So now coming back towards COVID, I think there is still a lot of people talk about, is nature making a comeback, right? Everyone is locked down, we are sitting at homes. Is it giving a chance for wildlife to come back? People will say that, and we are hearing a lot of birds now. We are seeing a lot of birds. We are seeing a lot of wildlife on the roads. And it is generally true, but we again have to be careful. So I'm giving another example here. This video went viral. It showed thousands of birds, they're called starlings, in huge flocks flying around. And it was listed as Chandigarh Kalka Road. So nature is back during COVID. And this video is from Chandigarh and Kalka Road. Except if we look at it closely, and this is actually on the internet, this video was not taken in Chandigarh Kalka Road. This video is from Ahmedabad. And it was taken in February before the lockdowns. So we have, during this time, people are noticing more. We hear a lot more birds, and probably that's because there's not too much noise from traffic and other human activity. So it's only been 2 months. 2 months, nature won't make a comeback in 2 months. We've been destroying it for hundreds of years. We need a lot more time. But at least what's happening is people are paying more attention, which is a good thing. So back to our rooftop. This is a red water lapwing, right? This is a rooftop, this is a brick building, and we have this natural bird nesting there. In Hindi, this is called the titri. So it's right there in the middle of Delhi. So if you go and pay attention, nature is all around you. This is again from the rooftop. These are painted storks flying right over the top of our house.
Now, somebody could look at it and say, wow, nature is making a comeback. But this nature was always there. We just had to look for it. But it is true that people are noticing. And I think that's one of the good things in COVID. A lot of people are sending me pictures, my friends. So one of my friends took a phone picture of this bird. This is in California. And you can see it's right in near the house. And he said, what is this bird? Where did it come from? And so I had to tell him what this was. Here's another friend who took this picture and he said, wow, we live in paradise. And because this is close to our home. And I said, well, this paradise has always been there. You probably didn't notice it. But now during lockdown, we are going out. We are observing what's going on around us. We are paying attention. We are appreciating nature. You know, I'm sitting at home here for the last 2 months. If you see behind me, this is our little backyard, our garden. And just being close to trees there, it's a relief. So this is what's connecting us back to nature, is being forced to not be able to do anything else. We have time to open our eyes and appreciate it. Now, obviously, in Indian tradition, this is not new. And again, I would say Dr. Satyaprakash did a great job earlier explaining that. I have one quotation here from the Matsya Puran, which says, save a tree, save 10 families, or one tree equals 10 sons. Right? So ancient wisdom that understands the importance of nature. Other traditions too. Now, this is another Indian. So in America, Native Americans are called Indians. So this is an Indian chief, the Standing Bear, the very famous Indian chief from the Oglala tribe. But I like his quotation. It says, a man's heart away from nature grows hard. So we have to keep our heart open to nature, and that will help us discover our own inner nature. Mahatma Gandhi said it, what we are doing to the forests of the world is but a mirror reflection of what we are doing to ourselves and one another. So if we care about nature, we care about forests, it means we will also care about each other. We'll care about the environment. So finally, so my last thought here is about restoring the balance and how this is, what are we seeing right now? So I'll start out by these two pictures here. This is a red jungle fowl. This is found wild in Indian forests. This is basically the, when in Hindi, we'll call it the jungli tota, jungli murga. This is the ancestor of all chicken that people eat around the world. It all comes from this red jungle fowl. And then this animal is called a pangolin. Right now it's extremely endangered, but it's found in India. It's also in Africa and China, but it's extremely endangered. So what is the connection of these two? And especially to what's happening around us. So if we then go back and see what happened in the Spanish flu in 1918, it's believed that the Spanish flu came from birds, and it came from these farms where you have this wild bird, which is supposed to be wild, when it is caged together in hundreds of thousands are put next to each other. That is the breeding ground for disease. This is when viruses develop and they can evolve to survive. When they're left in the wild, there are a lot of viruses in the animals, but they never can become transmittable. You put animals close to each other, the viruses evolve to be transmittable. So it's believed that the Spanish flu in 1918 started in the US from a chicken farm. It killed close to 1.2 million people, 12 million people, 1.2 crore in India in 1918 to 1920. It's a hidden part of our history. We don't talk about it much. It's believed that 5% of Indian population died during the Spanish flu. And this is the same flu, which is very similar to the corona. And what's the corona today, the COVID-19, novel coronavirus is believed to have originated in bats, but then it transmitted to this animal, the pangolin, which is supposed to be a wild animal. But what's happening in China and in Southeast Asia are pangolins are being caged. They are being harvested in farms. And these become the breeding ground for new kinds of viruses for which we don't even have immunity. So this is what happens when we disturb the balance of nature, right? Things which are found naturally and which humans have evolved with together, you put them in these artificial conditions and they lead to diseases that we don't have immunity for. But birds have a place in nature. This is a hummingbird. And I just wanted to show this. So you can see a hummingbird's job is to pollinate flowers. So you see this on its head. This is pollen. So this bird is coming to this flower. It feeds on the flower. The flower deposits its pollen on this. Then it goes to the next flower and it will pollinate it. And the same thing happens in India at this bird. This is actually called a shakarkora in Hindi.
This is a purple sunbird. If you go out again, you'll probably see it in your garden. This does a similar thing. It feeds on nectar and flowers. It helps pollinate them. So this is nature has a balance. Birds have a place in the balance. We just have to rediscover it. And if we leave nature alone, I'll skip this one, but if we leave nature alone, it will make a comeback. So hopefully in a few years, if we restore our wetlands near Gurgaon, near Sultanpur National Park, maybe the Nilgai will come back. Right now they're gone. We just need to leave nature alone and it'll make a comeback. So with that, I'll just finally, I want to end with this quotation. This is a very famous quotation in nature conservation circles, and I like it a lot. And it says that in the end, we will conserve only what we love. We will love only what we understand, and we will understand only what we are taught. And my rejoinder to that is that we will only love what we see. So we need to see. This is a picture taken by my son. It's one of our favorite pictures. This is a jacana bird. So sometimes it's called the lily trotter because it looks like it's walking on water, on lilies. So this lily trotter is looking at a lily. It's like we say in English, stop and smell the roses. So let's take this time to contemplate the beauty around us. Whether we are in Trinidad, this picture is from Trinidad, again for Dr. Indrani. This is a beautiful place near Port of Spain. It's a natural reserve. You get flamingos, you get these scarlet ibises, just all of these red things here, they are not flowers, these are birds. And this is one of the most beautiful places I've ever been. You go there in the evening and you see these. Or you are in California, this is for Dr. Shivesh. This is near our Bay Area. This is Mount Diablo, a scene of sunset. Or you are in Sakshara Apartments in Paschim Vihar, and you in the evening you see the sun rising behind, the sun setting and the birds flying. Observe nature around you. It will give you, reconnect with it, and it will give you some relief during this time of Corona. So I think with that, thanks you for your patience, and I'll stop now. Thank you, sir, for such a beautiful presentation. It was like watching a beautiful movie, which is very much cinematographically focused. The presentation reminded me of Wordsworth, again a poet of nature, who very famously said that poetry or art should have the magical power of imagination through which it casts a spell of charm over the subjects from everyday or ordinary life. Or if art makes everyday objects look or ordinary objects look extraordinary. That is what your presentation has done today. It has refreshed us and enriched us. Thank you so much, sir. Now I request the chairperson of the seminar, Professor Shashi Tiwari ma'am, to please express her views on the so many great ideas that the scholars have enlightened us. Thank you, ma'am. Thank you, Divya. So we were enjoying this valedictory session or the concluding session of this online seminar of the 2 days. And this session was especially very enjoyable, as we all feel. Yeah, even it is late also. But here 4 papers were presented by 4 brilliant scholars. 2 were from India, 2 were from America. And we learned a lot from them about nature. And first speaker was Professor Umakant Yadav, and he spoke on pranayama. Then Professor Girija Shankar Shastriji, who said about Dharma Shastra and Pratiraksha Shakti. Then Shiva Chaturvedi ji, and he talks about Sanskrit, Sanskaras and Sanskriti. And 4th one was by Vivek Tiwari, who presented here the connection of human with nature in reference to birds. So as just it has been completed, I have to say nothing about these papers, but as the chair of this session and overall in charge of the program, I wish to comment on the whole 2 days proceedings here, which we enjoyed and which we learned a lot. यहाँ पर जो विषय था कॉन्फ्रेंस का, मैं 10 मिनट 12 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगी. जो कॉन्फ्रेंस का विषय था वो था रिवाइवल ऑफ इंडियन पर्सपेक्टिव एंड लाइफ स्टाइल.
और उसके अंदर कई सारे सब सब्जेक्ट्स रखे गए थे। और अब हम देख रहे हैं जो हमने मॉर्निंग में इनॉग्रल में बोला था, और अब हम देख रहे हैं कि उनमें से लगभग सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पर पूरी तरह से उन पर विचार किया गया, जैसे कि रिलेशन ऑफ मैन विद नेचर, स्पिरिचुअलिटी, देन लाइफ स्टाइल, देन लाइफ हैबिट्स, एंड सम टॉपिक्स वर ऑन अध्यात्म, एज वी हैव ऑलरेडी सेड, आरोग्य, योगा, प्राणायाम, ऑल दीज थिंग्स। सो वी हैव लर्नड ए लॉट, हमने बहुत सीखा है और बहुत अच्छी अच्छी बातें बहुत बड़े बड़े विद्वानों के द्वारा यहाँ पर कही गई हैं, और उनको यहाँ पर दोहराने की जरूरत नहीं है, सब कुछ हमारे मनोमस्तिष्क में वो है। और सिर्फ मैं ये अपने टिप्पणी के रूप में कहना चाहूंगी कि जैसे सबने ये बात की कि आपदाएं हैं, विपत्तियां हैं, ये मुश्किलें हैं, ये लाइफ का पार्ट है, जो आती ही आती हैं, तो ऐसा कुछ क्या किया जाए जिससे कि हम उससे बचें, या कि वो आ जाए तो हम फिर उससे प्रतिकार कर सके। तो इन्हीं बातों पर हम विचार कर रहे थे, और मैंने पाया कि अभी एक समस्या, जैसे थोड़े दिन पहले कह रहे हैं कि जयपुर में टिड्डी दल आ गया है, तो आपने पढ़ा होगा एक बड़ा संस्कृत का कॉमन श्लोक है, हिंदी में भी उसका रूपांतरण किया गया है, पहले हिंदी का आपने को सुनाते हैं कि अति का भला ना बोलना, अति की भली न चूक, अति का भला ना बरसना, अति की भली न धूप, ना तो बहुत पानी बरसना चाहिए, ना बहुत धूप होनी चाहिए, ना बहुत बोलना चाहिए, ना बिल्कुल चुप रहना चाहिए, इनको अति कहते हैं। और संस्कृत में इसके लिए शब्द है इति, छह तरह की इतियां वहां पर बताई गई हैं, और वो इतियां ये हैं, इतियां मतलब विपदाएं या विप्लव या मुश्किलें, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, शलभा, मूषिका, शुका, प्रत्यासन्नाश्च राजानः, षडेते इत्या स्मृता, ये छह मुश्किलें हैं, और ज्यादातर इनका संबंध किसानों से है या मजदूरों से है। और हमने देखा कि इस आपातकाल में ज्यादा मुश्किलें उन्हीं के ऊपर आई हैं, ज्यादा पानी बरसना, ना बरसना, शलभ, शलभ का मतलब है टिड्डी दल का आना, जो कि जयपुर में बताया जा रहा है कि आ चुके हैं, चूहों का लगना, पक्षियों की अधिकता हो जाना, जो आजकल लोग अनुभव कर रहे हैं कि पक्षी बहुत बोल रहे हैं, बहुत अधिक हो गए हैं, या दूसरे देश की राजा की चढ़ाई। और एक मजे की बात यह है कि ये इतियां जो हैं, इनका सारा क्यों कैसे समाज में आने वाली हैं या प्रजा के ऊपर आने वाली हैं, इसके लिए दोष दिया जाता है कि राजा के ऊपर, कि राजा अगर ऐसा होगा तो उस पर ऐसी विपत्तियां आएंगी। तो सोचने की बात है कि आजकल राजा तो है नहीं, ये तो प्रजातंत्र है, तो प्रजा ही राजा है। तो फिर जैसा कि बहुत सारे विद्वान कल से बता रहे हैं कि वर्तमान में क्या है समाज, वर्तमान में क्या है संबंध, वर्तमान में क्या है हम लोग आचरण, कर्म, व्यवहार, हमारा जीवन, हमारा चरित्र, तो इन सब जिनके सबके जो दोष हैं उनके प्रतिफल हैं, क्या ये मुश्किल है? ज्यादातर विद्वानों ने यही कहा कि ऐसा होने लगा है। और आपने अगर पढ़ा हो हमारे संस्कृत साहित्य में भी का वर्णन पुराणों ने किया है, श्रीमद् भागवत पुराण ने कलयुग का वर्णन किया है, जिस चैप्टर में किया आप उसको पढ़िए, हैरान हो जाएंगे आप कि उसमें जो जो लिखा है वो सब कुछ आज हो रहा है। इसी तरह तुलसीदास ने जो कलयुग का वर्णन किया वो भी सब आज दिखाई देता है। तो वो लोग कवि थे कि दूरदृष्टि वाले थे, उन्होंने पहले से ही उसका अनुमान लगाया हुआ था कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा। तो इसलिए ये जो संकट है या विपत्तियां या विपदाएं, उसका सारा दारोमदार प्रजा पर आता है, हम पर आता है, लोगों पर आता है। तो लोगों को ही अपने चीजों को ठीक करना होगा। और ये बात यहाँ पर पूरे सेमिनार का सार रूप में है कि आचरण की शुद्धि, जिसमें आपने अगर देखा होगा तो तीन चार बातों पर बार बार बोला गया, संतोष, अहिंसा और सदाचरण। भोजन के लिए सात्विक गुणों का प्रयोग किया जाए, साफ भोजन खाया जाए, ये बताया गया। गुणों में तीन गुण होते हैं, उनके मिलने से ही प्रकृति और सृष्टि होती है।
लेकिन उनमें रजोगुण की महत्ता होनी चाहिए। आपने अभी अभी शिव चतुर्वेदी जी ने भी रजोगुण की बात करी। भावनाएं हमारे अंदर बहुत है लेकिन उनमें उदात्त भावों को हमने पीछे दबा दिया है, तो उदात्त भावों का विकास करना चाहिए। आचरण कैसा हो, हमारे कर्म कैसे हो, तो ये सारी चीजों पर एक बार फिर से गौर करने का ये समय है। जैसा कि किसी ने कहा, अपर्णा ने शायद कहा, स्वाध्याय करो, अपना चिंतन करो, अपने आप को रियलाइज करो। अभी जैसे विवेक ने कहा कि प्रकृति में ये सब तो पहले से ही था, हम देखते नहीं थे, अब हमें टाइम मिला इसलिए हम देखते हैं, तब हमें दिखाई देता है ओ इतना सुंदर ये झील, तो पहले भी तो थी वो झील, अभी थोड़े ना आई है। तो इस तरह से जो हमने सेल्फ रियलाइजेशन एक यहाँ सब्जेक्ट रखा, हमारी जो कन्वीनर बहन है अनीता सेन गुप्ता, उनके जो ये उप विषय है वो बहुत कमाल के उप विषय है। तो उन्होंने ये जो रखा कि इस तरह से कैसे हम उन सब चीजों को दोबारा से रियलाइज करने लगे हैं, प्रकृति से तादात्म्य पर बहुत जोर दिया गया, नेचर से हमको एक बार फिर से ध्यान देने की जरूरत है। और ये बात संस्कृत साहित्य से बेहतर कहीं नहीं है, पुरुष और प्रकृति के मिलने से सृष्टि होती है। प्रकृति तो प्रकृति है, चाहे वो अंधा प्रकृति हो चाहे बाहर प्रकृति हो, हमारा जो चरित्र है उसको भी नेचर इंग्लिश में कहते हैं, और जो बाहर की प्रकृति है उसको भी नेचर कहते हैं, दोनों को नेचर कहते हैं। तो नेचर को नेचर ही रहने देना चाहिए, इस इन बातों पर ध्यान दिया गया। एक जो विद्वान थे जो इससे पहले वाले सेशन में बोल रहे थे, अनीता सेन गुप्ता जी के समय में के साथ में बोल रहे थे, दीक्षित जी BHU से जो आए थे, उन्होंने बताया था कि प्रकृति में देवी देवताओं की पूजा करना, आदर करना उनका, ये क्या चीज है, या वाहनों की बात उन्होंने बताई। तो ये सब देखिए आप, हमारे तो प्रतीकात्मक शैली में वाहनों की बात, अभी सरस्वती के वाहन की बात हुई, कौन से देवता का कौन सा वाहन, उनके उनका कौन सा हथियार, उनका कौन सा संगी साथी, उनका कौन सा रथ, उनके सारी चीजों के पीछे कुछ अर्थ छिपे हुए हैं। तो ये आदर वाले, आदर की जो बात है उसी को हम पूजा कहते हैं, उसी को हम माता कहते हैं। माता कहना मतलब पृथ्वी को, माता कहना मतलब आदर करना, और जिसका हम आदर करते हैं उसकी हम केयर करते हैं। तो ये भूदेव शर्मा जी ने वो बताया कि माता कह के उसको पानी डालना है, नीम के पेड़ को, पीपल के पेड़ को, रोज का नियम है तुलसी को पानी डालना है। तो रोज आप तुलसी तक जाएंगे, उसकी महिमा गाएंगे, उसका महत्व तो याद रखेंगे। तो ऐसी नियम हमारे जीवन शैली में बना दिए गए थे, जीवन भारतीय जीवन पद्धति में बना दिए गए थे, जो रिवाइवल की जरूरत उनकी आज इसलिए पड़ रही है क्योंकि हम उससे दूर हो गए, हम पर दूसरे हावी हो गई दूसरी चीजें, और हमने उनका महत्व कम कर दिया। तीन तरह के तापों की बात भी अभी की आज की आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक, ये तीनों स्तर भी होते हैं हमारे मनुष्य के, भी तीन स्तर होते हैं, फिजिकल, नेचुरल एंड स्पिरिचुअल। तो ये कोई भी मुश्किल आए, ये वाली जो मुश्किल आई है इस पर ये विवाद चल रहा है, वैसे बहुत चल भी नहीं रहा है, लोगों को स्पष्ट हो गया है, ये भौतिक है, आदि भौतिक है, किसी भूतकृत है, किसी प्राणी के द्वारा किया गया, जैसे कि अभी पक्षी दिखाए गए, या मनुष्य भी हो सकते हैं जिन्होंने बनाया हो, या कि नेचुरल है। तो विपत्तियां भी, दुख भी तीनों तरह के होते हैं। वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ सोरोस, वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ प्लेजर्स, वी हैव थ्री एस्पेक्ट्स ऑफ अवर लाइफ। सो एवरीवेयर दीज थ्री एस्पेक्ट्स आर देयर, एंड दे शुड बी बैलेंस, दे शुड बी कंबाइंड फॉर द फुलफिलमेंट। पूर्ण की बात अनिता जी ने की थी, पूर्ण समग्रता की बात की थी। तो ये बहुत सारे हम लोगों को सोचने के लिए, फिर से सोचने के लिए, रिकंसिडर करने के लिए बहुत सारी बातें आज मिली हैं। ये कॉन्फ्रेंस जो है मेरे मुताबिक तो बहुत सक्सेसफुल रही। धन्यवाद ज्ञापन मैं करूंगी अभी, क्योंकि उसके बाद अपने लेवल पर मैं थोड़ा सा संक्षेप में करूंगी, बाद में अनीता जी करेंगी। उन्होंने कहा था फीडबैक लेना है, अगर आप कहें तो ले लेते हैं, और रिपोर्टिंग अगर होनी है तो वो भी करा देंगे। सबसे पहला मेरा जो धन्यवाद है वो इनॉग्रल सेशन में जो वाइस चांसलर साहब आए थे लखनऊ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के, उनके लिए। फिर प्रिंसिपल जो कॉलेज के डॉक्टर, बहुत ही उनका वक्तव्य भी था, उन्होंने बहुत समा बांधा की नोटिस, उनको
बहुत बहुत बड़ा एक धन्यवाद देते हैं। फिर हमारे आदरणीय भाई डॉक्टर हरिदत्त शर्मा जी, जो कल से आज तक यहाँ पर बैठे रहे और प्रेरणा देते रहे, उनको धन्यवाद देते हैं। जो विद्वान बाहर से आए, विशेष विदेश से आए, उनमें पहले काशीनाथ जी जो नेपाल से आए थे, और जो मॉरिशस से, और दूसरे ट्रिनिडेड से डॉक्टर पांड्या जी आए, अमेरिका से जो विद्वान आए, आए क्या मतलब, अपने घर से उन्होंने बोला, डॉक्टर बलराम सिंह जी, विवेक तिवारी और प्रोफेसर शिव चतुर्वेदी जी, जो बहुत व्यस्त लोग हैं, फिर भी उन्होंने समय निकाला है और हम लोगों को कुछ सिखाया है। ट्रिनिडेड से बहन हमारी इंद्राणी मुखर्जी, इंद्राणी राम प्रसाद, जो अभी भी यहाँ पर विराजमान है और बार बार कह जा रही थी क्रौंच पक्षी के बारे में हमें बताओ, क्रौंच पक्षी जो वाल्मीकि वाला, अलग से उनको अगर तुम्हें पता लगे तो बता देना कभी। तो इस प्रकार से बहुत उत्सुकता के साथ, बहुत समय देते हुए, बहुत बड़े बड़े विद्वानों ने, और फिर अपने देश के भी, मैं देख रही हूँ देश के भी कोई भी प्रदेश शायद बचा नहीं है, यूपी का कोई शहर बचा नहीं है जहाँ से कोई यूनिवर्सिटी बची नहीं है, जहाँ से आपके इस सेमिनार में लोगों ने भाग ना लिया हो, जैसे वाराणसी से आए थे, बीएचयू से आए थे। तो सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, जिनके नाम नहीं लिए गए उनके लिए भी धन्यवाद है, जिन्होंने कार्य किया आपकी तरफ से और हमारे वेव्स की तरफ से, कार्यकारिणी के सदस्य, उन सबको धन्यवाद का, धन्यवाद के पात्र हैं। टेक्निकल जो भी आपका दल था उसको धन्यवाद, क्योंकि इंटरप्शन ही अगर इंटरनेट का रहेगा तभी अच्छी सफलता के साथ कार्य संपादित होगा, तो उसके लिए सत्र शुक्ल जी एकमात्र मुझे वही दिखाई दे रहे हैं, जबकि उनके साथ और भी लोग होंगे। आप सबको बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। मीडिया के लोग हैं, क्योंकि आपकी न्यूज पहले से ही आने लगी थी और मुझे आशा है कि बाद में भी आती रहेगी, तो आप सबको, मीडिया पर्सन को भी धन्यवाद, और विशेष धन्यवाद जो सबसे इम्पोर्टेंट धन्यवाद है वो हमारे ऑडियंस का है, जो बहुत इनलाइटेंड है, बहुत ब्रिलियंट है, और बहुत यूनिवर्सिटीज से आई हुई हैं और धैर्य पूर्वक बैठे हुए हैं, और एक एक का नाम आप सब यहाँ पे देखते रहे हैं, उन सब ऑडियंस को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो सीनियर मेंबर्स थे, प्रोफेसर गुरुदेव शर्मा जी, उनको हम भूल नहीं सकते, शिवे चतुर्वेदी जी 20-22 साल से वेव्स के साथ हैं, तो आप सब लोगों के आशीर्वाद और मार्ग निर्देशन से वेव्स कार्य करता है। जो हमारे युवा वेव्स में साथी हैं, रंजीत बहेरा जी हो गए, और अपर्णा है, और विकास शर्मा है, संजू है, इन सबको भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। तो इसी इतनी छोटी सी बात कहने के साथ ही मैं एक टिप्पणी ये करना चाहूंगी कि मेरी दृष्टि से वेव्स काफी संतुष्ट है कि हमें एक बहुत अच्छा साथी मिला, और जो उद्देश्य हम लेके चलते हैं, हमारी संस्था चलती है, उस उद्देश्य में ही हमने अपना 2 दिन का समय दिया और उन्होंने हमारे को बहुत पूरा पूरा सहयोग दिया। अब मैं सोचती हूँ कि फीडबैक के लिए मैं एक आपके इलाहाबाद से किसी को बुला सकते हैं, एक वेव्स की तरफ से डॉक्टर रंजीत को बुला सकते हैं, और एक दोनों के बाहर के जो श्रोताओं में बैठे हो, ऐसे मैं देख रही हूँ 2 दिन से डॉक्टर डॉली जैन राजस्थान यूनिवर्सिटी की हैं, वो यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृति, वो 2 दिन उन्होंने ज्वाइन किया और बैठी रही, अगर वो हैं तो 2-2 मिनट में आप लोग अगर फीडबैक अपना दें, अपने विचार बताएं कैसा सेमिनार रहा, तो बहुत अच्छा होगा। सबसे पहले डॉक्टर रंजीत बहेरा जी। सभी को नमस्कार। ऑनरेबल चेयरपर्सन ऑफ द वैलिडेटरी सेशन रेस्पेक्टेड प्रोफेसर शशि तिवारी मैम, ऑनरेबल चीफ गेस्ट प्रोफेसर उमाकांत यादव सर, हेड डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, रेस्पेक्टेड स्कॉलर्स, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स ऑफ वेव्स इंडिया, and the very much dynamic principal of Ishwarsaran Degree College, Professor Anand Shankar Singh ji, and the successful coordinator of this program, Dr. Anita Sengupta ma'am.
It is my pleasure to share my views about the international webinar, and thanks to the coordinator and thanks to the organizer. I would like to point out some important points of the webinar. The program started as per the schedule on both of the days. And the number of 7 is much more important in Sanskrit literature. If we say about Vibhakti, we say about other Saptakan, Saptarishi, and the program continued daily up to minimum 7 hours without any break, without any tea break or lunch break, and program is being continued for 7 hours. And if we, I would like to share the about the inaugural session. The coordinator, Dr. Anita Sengupta, madam, informed about the webinar in details. She has coordinated the webinar with an integral approach. I would like to mention the name of the keynote speaker of the inaugural session, Professor Anand Shankar Singh. His keynote speech was fully based on the different research studies. I think he is not a scholar of history only, but a very good scholar of Sanskrit literature. We all got a chance to listen to the special lectures which were presented by the esteemed scholars like Professor R.R. Tiwari ji, Honorable Vice Chancellor of University of Allahabad, Ma'am Professor Sasi Tiwari, Professor Haridat Sarma ji, Professor Kasinath Nupani ji, Professor K.K. Srivastav ji, Professor Lalan Prasad ji, Professor Balram Singh ji, and Professor Umar Anand Tripathi, Dr. Raj Purohit. And the each and every lecture was heart-touching and motivating the young scholars. If we see the webinar at a glance, the invited lectures we are focused on spirituality, yoga, arthashastra, paryavaran, trigun, social harmony, vaidik jivan mulya, ayurved, pranayam, dharmashastra, sanskar, and human connection with nature. I would like to quote Professor Ram Sevak Dubey ji. अगर उन्होंने जो कहा था, क वर्ण से लेकर म वर्ण तक, क से कोरोना का प्रारंभ होता है और म से उन्होंने कहा था, मतलब उसमें मर जाना, अंत हो जाना, यहाँ जो अंत हो जाने की बात है वो कोरोना को ही मर जाना और उसी को कोरोना का कैसे अंत होगा, ये उनका मतलब व्यूज था. और अपार्ट फ्रॉम द इन्वाइटेड स्पीकर्स, मोर देन 10 पेपर्स वेयर प्रेजेंटेड बाय द स्कॉलर्स एंड व्हिच इज ए वेरी interesting for the participants, and all the papers we have got a chance. Everything is fantastic and very much valuable for young researchers. And one suggestion, that question and answer session was to be conducted. The webinar is a special one where there is no break, what I told earlier. I would like to point one important thing. The webinar started with the topic spirituality and ended with nature. Lecture on spirituality was given by Sasi ma'am, and the lecture on nature and word given by Dr. Vivek Tiwari ji. I would like to conclude with Dr. Vivek Tiwari, save a tree and save 10 families. I specially congratulate the coordinator of the webinar, Dr. Anita Sengupta, and her entire team for successful organization of the international webinar. Thanks for providing me the opportunity to share my views. Namaste to all. Shubh Ratri. Dhanyawad. Thank you. Dhanyawad Ranjit ji. Aur abhi Dolly Jain hai yahan par. मैडम एक मिनट, आप भास्कर द्विवेदी आप अपनी समीक्षा देंगे, फीडबैक देंगे. भास्कर द्विवेदी को बुलाइए. भास्कर द्विवेदी, ठीक है. हाँ, डॉक्टर भास्कर द्विवेदी. भास्कर द्विवेदी फ्रॉम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी. इलाहाबाद नो. हेलो. एंड आफ्टर दैट डॉली जैन. हाँ, क्या मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ, बिल्कुल आ रही है. आप बोलें. धन्यवाद सर. धन्यवाद सर. सबसे पहले तो मैं इस मंच पर इस वेबिनार में मेरे बहुत ही आदरणीय गुरुजन विद्यमान हैं,
प्रोफेसर हैदर शर्मा सर, प्रोफेसर उमाकांत यादव सर, आदरणीय गिरिजाशंकर शास्त्री जी, इन सारे गुरुजनों को मैं सादर चरण स्पर्श प्रणाम करता हूँ। और उसके बाद मैं मैडम अनीता सेन गुप्ता जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे यह गुरुतर दायित्व सौंपा है कि मैं इस सेमिनार के बारे में थोड़ा संक्षेप में फीडबैक प्रस्तुत करूं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय परंपरा में यज्ञों का बड़ा विशिष्ट स्थान है और भारतीय सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर के सृष्टि के सुचारू संचालन के लिए यज्ञ का संपादन होता आया है। और यज्ञ से तात्पर्य केवल कर्मकांडी यज्ञ नहीं है, अपितु यज्ञ के विविध प्रकार हैं। अत्र ब्राह्मण विशिष्ट यज्ञ करणात् अस्य नाम प्रयागो अभवत्, प्रयाग की महिमा सर्वविदित है और इसी प्रयाग की सारा संसार पीड़ित है। तब इस वेबिनार के माध्यम से ईश्वर सरल पीजी कॉलेज ने एक ऐसा यज्ञ संपादित किया है जिससे निकले विचार न केवल भारत अपितु संपूर्ण विश्व की रक्षा करने में समर्थ है। मानव जीवन के प्रादुर्भाव काल से ही मनुष्य प्रकृति के अत्यंत सन्निकट रहा है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि मनुष्य ने अपने उद्धार के लिए, अपने विकास के लिए प्रकृति का उपयोग, प्रकृति से अपनी दूरी बढ़ा ली है और यही कारण है कि वह समस्या के गर्त में गिरा है। आज जब कोरोना का संकट संपूर्ण विश्व में विद्यमान है तो सर्वत्र हमें यही संकेत मिल रहा है और यही संदेश भी मिल रहा है कि हम प्रकृति से पुनः जुड़ें और प्रकृति के जो मूलभूत तत्व हैं, चूंकि आप जानते हैं कि मनुष्य का शरीर ही प्रकृति के पंच महाभूतों पांच तत्वों से बना हुआ है, तो इस प्रकृति से दूरी हम जितना दूरी बना लेंगे अपने जीवन को उतना ही संकटग्रस्त करेंगे। आज संपूर्ण विश्व कोरोना के संकट से करा रहा है, तो हमारे सामने एक ही मार्ग है कि हम प्राचीन आयुर्वेदिक जीवन शैली को अपनाकर मानव जाति को समाप्त होने से बचा सकते हैं। आयुर्वेदिक जीवन शैली से तात्पर्य प्रकृति से सन्निकटता, वृक्ष वनस्पतियों से तारतम्य, यज्ञ क्रियाकलाप और पवित्र तथा सदाचरण युक्त जीवन जीने से है। वेदों में और हमारे प्राचीन ग्रंथों में अनेक वनस्पतियों का उल्लेख प्राप्त होता है जिसके प्रयोग से हम कोरोना विषाणु को धीरे धीरे कम करके पूर्णतया विनष्ट कर सकते हैं। उदाहरण स्वरूप अश्वगंधा, गुग्गुल और सरकार के आयुष मंत्रालय ने इनमें से चार औषधियों को विशेष रूप से अश्वगंधा, गुरुचि, पीपली तथा मधुरष्टि का प्रयोग रोग प्रतिरोधक क्षमता की वृद्धि के लिए इनका चयन किया है, जिसका ट्रायल भी लगातार हो रहा है। अब मैं इस सेमिनार के बारे में कहना चाहता हूँ कि इस सेमिनार में इसकी सफलता इसी बात में नहीं है कि न केवल भारत अपितु अमेरिका, नेपाल जैसे विदेशों से भी बड़े बड़े विद्वानों को बुला करके यहाँ पर हम सारे जो नवागंतुक हैं, नवीन हैं इस क्षेत्र में, उनको ऐसे विद्वानों को सुनने का जो मौका मिला है, इसके लिए मैं भूरिशा धन्यवाद देता हूँ आदरणीय मैडम अनीता सेन गुप्ता जी का, जो कि सेमिनार की कन्वीनर है। रही बात फीडबैक की, तो सारे के सारे ही लेक्चर अत्यंत समसामयिक और लोकोपकारी रहे हैं, लेकिन विशेष रूप से उल्लेख करने की जहां तक बात है, मैं विद्वान काशीनाथ न्योपाध्याय जी का जो कथन है मुझे बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में बुद्ध की शिक्षाओं को भी आत्मसात करने का समय है और विशेष रूप से पंचशील के सिद्धांत को अपनाने की आवश्यकता है। इसके साथ ही साथ प्रोफेसर के श्रीवास्तव जी ने कहा कि दर्शन के सिद्धांतों को अपना करके भी कोरोना का शमन किया जा सकता है। इसके उदाहरण में उन्होंने अष्टांग योग की बात की, यम नियम स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान इत्यादि की बात की, कहा इसको अपना करके भी हम अपने जीवन को सदाचरण युक्त कर सकते हैं और इन महामारियों से बच सकते हैं। हमारे आदरणीय गुरुदेव प्रोफेसर राम सेवक दुबे जी ने बहुत ही अच्छी मधुर शैली में बताया कि प्राचीन जीवन शैली को अपनाने की आवश्यकता है। वर्णाश्रम व्यवस्था, योग दर्शन, विशेष रूप से सांख्य योग, कर्म योग और श्रीमद् भगवद गीता का जो आत्म प्रबंधन का सिद्धांत है, उसको अपना करके हम कोरोना से भी भयंकर बीमारी से बच सकते हैं। किसी विद्वान ने कहा कि भारत के जो लोग हैं, इनकी जो प्रतिरोधक क्षमता है विश्व में सबसे अधिक है। यही कारण है कि आज हम विश्व में जो मृत्यु दर है उससे हमारे देश में इतनी जनसंख्या 1 अरब 35 करोड़ की जनसंख्या और जनसंख्या का इतना
बड़ा घनत्व होते हुए भी अगर हमारे देश में मृत्यु दर कम है तो उसका कारण है कि हमारी प्राचीन और सदाचार युक्त जीवन शैली। बहुत सी बातें बहुत ही सुंदर ज्ञानवर्धक समसामयिक बातें इस वेबिनार में हुई हैं और समय भाव के कारण उन सबका यहाँ पे उद्धरण देना बड़ा कठिन है, लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा कि सेमिनार की सफलता इसी बात में निहित है कि यह वेबिनार हमारे जो प्राचीन सिद्धांत है, प्राचीन चाहे वह दर्शन हो, आयुर्वेद हो, प्राचीन चिकित्सा पद्धतियां हो, प्राचीन जीवन शैली हो, उनको अपना करके न केवल हम बच रहे हैं बल्कि हम बच भी रहे हैं और हमें और आगे अगर बचना है तो इन्हीं की शरण में जाने की आवश्यकता है। यही पर मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भास्कर आपको, बहुत अच्छा फीडबैक दिया आपने। अब हम अश्विनी को बुलाना चाहेंगे। अश्विनी आपने रिपोर्ट तैयार किया बेटा? अश्विनी शुक्ला जी आप क्यों अनम्यूट करके बैठे हैं? अश्विनी अनम्यूट करिए। कैसे हो गया? हाँ हाँ बोलिए बोलिए। आई है एक मिनट डॉक्टर अश्विनी। हाँ बोलिए बोलिए। यस मैम मैं ब्रीफ रिपोर्ट तैयार की हूँ। चलिए बोलिए कंटिन्यू करिए। नमस्कार, मैं अश्विनी असिस्टेंट प्रोफेसर ईश्वर शरण पीजी कॉलेज। दो दिनों से चल रहा अंतरराष्ट्रीय वेबिनार आज अपनी पूर्णता को प्राप्त हुआ, जिसमें देश विदेश के विद्वानों ने COVID-19 के संदर्भ में भारतीय जीवन पद्धति पर विस्तार से चर्चा की। मैं उसका एक ब्रीफ रिपोर्ट प्रेजेंट करने जा रही हूँ। 27-28 मई 2020 को ईश्वर शरण स्नातकोत्तर महाविद्यालय इंडिया न्यू दिल्ली के संयुक्त तत्वाधान में दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का सफल आयोजन किया गया, जिसका विषय है भारतीय दृष्टिकोण एवं जीवन शैली का पुनः प्रवर्तन COVID-19 के प्रतिरोध में संस्कृत साहित्य के संदर्भ में। उद्घाटन सत्र का प्रारंभ इस वेबिनार की कन्वीनर डॉक्टर अनीता सिंह मैम द्वारा वैदिक मंगला से किया गया। इसके बाद दिव्या शुक्ला द्वारा सरस्वती वंदना प्रस्तुत की गई। इस सत्र का संचालन मेरी अग्रजा डॉक्टर सेन गुप्ता मैम द्वारा किया गया। आपने इंटरनेशनल वेबिनार की प्रासंगिकता को बताते हुए वेबिनार विषय पर शास्त्रानुसार अनुबंध चतुष्टय पर प्रकाश डाला। तत्पश्चात ने सत्र में उपस्थित विद्वान माननीय प्रोफेसर आर आर तिवारी पलवल बीसी यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद मुख्य अतिथि आदरणीय प्रोफेसर काशीनाथ न्योपाने नेपाल मुख्य वक्ता कर्मयोगी प्रोफेसर आनंद शंकर सिंह प्राचार्य ईश्वर शरण पीजी कॉलेज एवं विशिष्ट अतिथि श्रद्धेय प्रोफेसर शशि तिवारी एसिपिट ऑफ वेब्स इंडिया तथा इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे गुरुवर प्रोफेसर एस डी शर्मा फॉर्मर हेड ऑफ संस्कृत डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का स्वागत किया। इसके बाद हमारे ऊर्जावान प्राचार्य प्रोफेसर आनंद शंकर सिंह ने सभी पार्टिसिपेंट्स रिसोर्स पर्सन तथा वक्ताओं का हार्दिक अभिनंदन किया। आपने बताया कि लॉकडाउन पीरियड में ईश्वर शरण महाविद्यालय द्वारा ये चौथा वेबिनार संपन्न हो रहा है और पांचवा नेशनल वेबिनार का आयोजन इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के द्वारा 29 मई को होने वाला है। आशीर्वचन के रूप में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के वीसी यशस्वी कुलपति प्रोफेसर आर आर तिवारी ने सबका स्वागत करते हुए कहा कि इस समय मोबाइल ऑनलाइन लर्निंग इंटरनेट के माध्यम से पठन बहुत ही सहज ढंग से हो रहा है। आपने कहा कि इंटरनेट के माध्यम से आज हमारे पास इतना सामग्री है कि पढ़ने का समय नहीं है। डिजिटल डिवाइस लोगों तक पहुँचाने के लिए मंत्रालय ने 12 और चैनल जोड़े हैं और दिव्यांगों के लिए अलग चैनल बनाया है। विशिष्ट अतिथि श्रद्धेय प्रोफेसर शशि तिवारी मैम ने एजुकेशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी फॉर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ ह्यूमैनिटी टॉपिक पर अपना व्याख्यान दिया। आपने कहा कि लोग अधिक से अधिक ज्ञान तो चाहते हैं कि इसका उपयोग करना नहीं जानते। हमारा जीवन धर्म से, धर्म दर्शन से तथा दर्शन आध्यात्म को रिलेट है, इसलिए मानव का मानव से संबंध स्पिरिचुअल ही होता है। सुख समग्रता में है, व्यग्रता में नहीं, अतः मनुष्यत्व को प्राप्त करना अधिक महत्वपूर्ण है। मुख्य अतिथि प्रोफेसर काशीनाथ न्योपाने ने भी अपना व्याख्यान इस स्तुति से की। आपने कहा कि आज हमें वसुधैव कुटुंबकम की धारणा समझ में आई है। जब चीन का वायरस भारत से अमेरिका तक पहुंच गया तो आज विश्व एक छोटा सा गांव प्रतीत होता है।
आपने कहा कि उपभोक्तावादी संस्कृति के कारण हम आज इस स्थिति में हैं। स्वामी विवेकानंद, अरविंद घोष, रविन्द्रनाथ टैगोर, प्रभुपाद आज भारतीय वैदिक आचरण के पक्षधर रहे हैं। विभिन्न संस्कृत साहित्य के ग्रंथों का उल्लेख करते हुए आपने कहा कि आवश्यकता से अधिक संपत्ति का अर्जन नहीं करना चाहिए। साथ ही आपने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से भारत में सुरापान वर्जित करने का निवेदन भी किया। मुख्य वक्ता के रूप में आदरणीय प्रोफेसर आनंद शंकर सिंह सर ने सर्वांग दृष्टिकोण को अपना विषय बनाकर अपना वक्तव्य प्रारंभ किया। भारत देश काल से अंधा हुआ नहीं है, अति चिंतक सार्वकालिक है। मानव की सारी जीवन यात्रा को हमसे सो हमी है। भूमंडलीकरण की भावना भारत में आज से नहीं प्राचीन काल से है। आपने कहा भारतीय संस्कृति पुरानी नहीं वृद्ध है। यह संस्कृति देश काल समय के अनुसार परिष्कृत एवं परिमार्जित होती रहती है। राखी गढ़ी की खुदाई से यह प्रमाण बताता है कि हमारी संस्कृति 10,000 वर्ष पुरानी है। महाभारत के उद्योग पर्व में कहा गया है कि श्रम और प्रज्ञा रहित व्यक्ति सभा में बैठने का अधिकारी नहीं होता है। आपने कहा परिवार में पुरुष एक पिता, भाई, पति, पुत्र आदि तथा स्त्री माता, बहन, पुत्री, चाची आदि के रूप में होती है, लेकिन पाश्चात्य देशों में ऐसी कोई भी संस्कृति नहीं है। अध्यक्षीय उद्बोधन देते हुए गुरुवर प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा सर ने कहा कि सर्वे भवन्तु सुखिना ही भारतीय चिंतन का मूल है। ऋग्वेद में द्यूलोक को माता, अंतरिक्ष को पिता कहा गया है। द्यूलता के कारण हमारे ग्रंथों में पर्यावरण की सुरक्षा का विशेष ध्यान दिया गया है। ऐतरेय ब्राह्मण, मत्स्य पुराण, पृथ्वी सुक्त, चरक संहिता आदि में पर्यावरण और वायु की शुद्धता का वर्णन प्राप्त होता है। आपने कहा कि संस्कृत कवियों की पर्यावरण के प्रति दृष्टि अद्वितीय है। हमारे संस्कृत साहित्य का प्रथम महाकाव्य वाल्मीकि रामायण का प्रारंभ ही पर्यावरण की घटना के साथ हुआ। इस सत्र में धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर अनिता सेन गुप्ता मैम ने किया। इसके बाद प्रथम तकनीकी सत्र का प्रारंभ हुआ, जिसका संचालन डॉक्टर अपर्णा धीर, एसोसिएट प्रोफेसर स्कूल ऑफ इंडिक स्टडीज USA से है, उन्होंने किया। आपने सत्र में उपस्थित प्रोफेसर बलराम सिंह, प्रेसिडेंट ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस साइंस डार्टमाउथ USA, प्रोफेसर ललन प्रसाद, डीन एंड HOD ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स फैकल्टी ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, प्रोफेसर इंद्राणी राम प्रसाद ट्रिनिडेड तथा सत्र की अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर KK श्रीवास्तव, फार्मर HOD डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का अभिनंदन किया। प्रथम तकनीक सत्र के प्रारंभ में प्रोफेसर बलराम सिंह ने साइंटिफिक नेचर ऑफ इंडियन ट्रेडिशन एंड कल्चरल रिलेवेंट कॉम्बैट द COVID-19 पैंडेमिक टॉपिक पर अपना विचार व्यक्त किया। आपने कहा कि हमारे शरीर में विषाणुओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रोटीन भी एक विष है, किंतु इससे बड़ी औषधि कोरेक्स होती है। इसी तरह विषाणु के मित्रवत और शत्रुवत कार्य करते हैं। इसके बाद प्रोफेसर KK श्रीवास्तव सर ने प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि हेतु योग की प्रासंगिकता पर प्रकाश डाला। आपने कहा कि हिंसा ही कोरोना वायरस का प्रमुख कारण है। आपने अष्टांग योग का विस्तृत वर्णन किया। प्राणायाम के महत्व को बताते हुए आपने कहा कि हमारा श्वसन तंत्र मजबूत होता है। प्राणायाम करना इससे और महत्वपूर्ण हो जाता है। कोरोना वायरस हमारे श्वसन तंत्रिका पर ही प्रहार करता है। प्रोफेसर ललन प्रसाद सर ने अपने व्याख्यान में कहा कि पर्यावरण और उससे जुड़े घटक जैसे नदियां आदि हमारे लिए पूज्य रही हैं, लेकिन वर्तमान समय में प्रदूषित हो गई हैं। आपने बताया कि चीन से फैला कोरोना वायरस पूरे विश्व की आर्थिक गतिविधियों को बंद कर दिया है। पूरी दुनिया को $10 की आर्थिक हानि उठानी पड़ी। आपने कौटिल्य अर्थशास्त्र की चर्चा करते हुए कहा कि हमें उपभोक्तावादी प्रवृत्ति से बचना चाहिए तथा काम, क्रोध, मोह, इच्छा इन सब में संतुलन स्थापित करना चाहिए। प्रोफेसर इंद्राणी मैम ने अपने वक्तव्य में राजीव मल्होत्रा के द्वारा लिखी गई पुस्तक द बॉटल ऑफ संस्कृत का विवरण प्रस्तुत किया। आपने बताया कि संस्कृत जो भारत की मौलिक विरासत थी, उससे पहले यूरोपीय द्वारा अपने तरीके से प्रस्तुत किया गया। आज भी अमेरिका में संस्कृत ग्रंथों को डिटॉक्सिफाइड करने के नाम पर तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया जाता है। भारतीय संस्कृत ग्रंथ को भारतीय मानस में कम स्थान प्राप्त हुआ। ज्यादातर समाज वैज्ञानिक, मानवतावादी विचारक संस्कृत पर दूसरे देशों के लेखकों द्वारा लिखे गए टीके को संदर्भ बनाते हैं। संस्कृत ग्रंथों को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है, जैसे मंदारिन, पर्सियन, अरेबिक आदि भाषाओं का संरक्षण किया गया।
इसके बाद द्वितीय तकनीकी सत्र का प्रारंभ हुआ जिसका संचालन डॉक्टर रागिनी राय असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री डिपार्टमेंट आईएसएससी ने किया। आपने इस सत्र में विद्वान वक्ता प्रोफेसर उमा रानी त्रिपाठी एचओडी डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत काशी विद्यापीठ वाराणसी, ब्रिगेडियर जेएस राजपुरोहित एनसीसी गोरखपुर, डॉक्टर रजीत बेहरा महासचिव वेप्स एवं एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत विभाग दिल्ली यूनिवर्सिटी तथा इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर सुद्युम्न आचार्य डायरेक्टर ऑफ वेद वाणी वितान प्राच्य विद्या शोध संस्थान का स्वागत कर सत्र का प्रारंभ किया। प्रथम वक्ता के रूप में प्रोफेसर उमा रानी त्रिपाठी ने अध्यात्म और पर्यावरण विषय पर अपना व्याख्यान दिया। अपने कहा कि भारतीय संस्कृति की आत्मा अध्यात्म है, साविद्या या विमुक्ते कथन पर प्रकाश डाला। आपने कहा कि चतुर्दिक आवरण ही पर्यावरण है, भूत वर्तमान व भविष्य सब पर्यावरण से व्याप्त है। ब्रिगेडियर जे एस राजपुरोहित ने पीपीटी के माध्यम से लाइफ स्टाइल फूड हैबिट एंड रोल ऑफ त्रिगुण शीर्षक पर विस्तार से प्रकाश डाला। अपने प्रकृति के तीन गुण सत्व रज तमस की व्याख्या करते हुए कहा कि कैसे ये मानव जीवन को प्रभावित करते हैं। अपने प्रकृति और त्रिगुण को ग्राफ के माध्यम से समझाया। शरीर आद्यम कलु धर्म साधनम की व्याख्या करते हुए आपने शांडिल्य उपनिषद के मिताहार का वर्णन किया। जो व्यक्ति जैसा भोजन करेगा वैसा ही उसका विचार होता है। इसके बाद डॉक्टर अजीत बेहरा सर ने भारतीय ऋषियों के विचार को बताते हुए सामाजिक स्वास्थ्य एवं भोजन को किस प्रकार होना चाहिए इस चर्चा की। आपने कहा कि हम भारतीय संस्कृति को तब तक नहीं जान पाएंगे जब तक हम वैदिक संस्कृति को नहीं जानेंगे। मानव इतर प्राणियों के लिए भोजन की व्यवस्था आज एक वैश्विक समस्या है। श्रद्धेय प्रोफेसर शशि तिवारी ने अध्यक्षीय उद्बोधन के साथ धन्यवाद ज्ञापित किया। इसके बाद 28 मई 2021 को तृतीय के सत्र का प्रारंभ हुआ जिसका संचालन अश्विनी देवी असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत विभाग ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज ने किया। उन्होंने इस सत्र में उपस्थित आदरणीय गुरुवर प्रोफेसर राम सवे गोबे सर, फॉर्मर चीफ प्रॉक्टर यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, डॉक्टर उमेश प्रताप सिंह एचओडी ऑफ इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट इविंग क्रिश्चियन कॉलेज, डॉक्टर मधु सत्यदेव डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी तथा सत्र की अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर नरसिंह चरण पांडा ICCR चेयर विजिटिंग प्रोफेसर ऑफ संस्कृत सीकॉर्ट यूनिवर्सिटी बैंकॉक का हार्दिक अभिनंदन वंदन एवं नमन किया। प्रथम वक्ता के रूप में डॉक्टर उमेश प्रताप सिंह ने सर्वाइव द इकोनॉमी इन पोस्ट कोविड 19 इरा एंड इंडियन पर्सपेक्टिव टॉपिक पर अपना व्याख्यान दिया। आपने कोरोना वायरस से संक्रमित एवं मृत्यु दर का आंकड़ा पीपीटी के माध्यम से प्रस्तुत किया। वर्तमान स्थिति युद्ध से भी भयावह है किंतु भारत में रिकवरी रेट अधिक है क्योंकि हम अभी भी सनातन संस्कृति को पूरी तरह से नहीं छोड़ पाए हैं। कोरोना संकट का समाधान सनातन चिंतन से ही मिलेगा। ने इस संकट के समय माननीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी की नई पॉलिसी पर विस्तार से चर्चा की। वैदिक जीवन मूल्य शीर्षक अपना व्याख्यान दिया। आपने कहा कि वैदिक मूल्यों के अनुसार हम लोगों ने जीना छोड़ दिया, यदि हम उसका पालन करते तो आज इस प्रकार की कोई बीमारी उत्पन्न ही नहीं होती। सभी दर्शनों में त्रिविध दुखों से बचने का उपाय बताया गया है। निषद दर्शन में कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की कामना की गई है। आपने कहा कि वर्णाश्रम बहुत ही वैज्ञानिक व्यवस्था थी, विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में इस प्रकार के विषयों का समावेश भी करना चाहिए। डॉक्टर मधु सत्यदेव ने आयुर्वेद की दृष्टि से जीवनचर्या वर्तमान संदर्भ में इस शीर्षक पर अपना विचार व्यक्त किया। आयुर्वेद को पंचम वेद कहा गया है, यह अर्थवेद का उपवेद है। आपने बताया कि रोगों तथा विविध उपायों से उनके निवारण का विस्तार से वर्णन किया। इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर एनसी पांडा ने बौद्धों की शांति परंपरा पर प्रकाश डाला तथा उनके जीवन शैली पर विस्तार से चर्चा की। आपने आयुष्य और आयुर्वेद की वर्तमान प्रासंगिकता का उल्लेख करते हुए कहा कि हमें नियमों का पालन अनिवार्यतः करना चाहिए। भारत के लोग वैज्ञानिक आध्यात्मिक दृष्टि से सबसे ऊपर हैं। कोरोना जैसी आगंतुक बीमारी को हम भारतीय संस्कृति के अनुसार आचरण करके दूर कर सकते हैं। आपने मनुस्मृति के अनुसार अभिवादन के महत्व को बताया और कहा कि बौद्ध धम्म पद को मानते हैं जिसमें मनु की कही हुई बात स्वीकार की गई है।
इसके बाद डॉक्टर अनीता सिंह मैम के निर्देशन में प्रतिभागियों द्वारा शोध पत्र का वाचन किया गया। इस वेबिनार में देश विदेश से लगभग 200 प्रतिभागी सम्मिलित थे। उत्कृष्ट 11 प्रतिभागियों को शोध पत्र पढ़ने का अवसर दिया गया। प्रथम शोध पत्र डॉक्टर मान सिंह सर ने प्रस्तुत किया, जो ईश्वर शरण महाविद्यालय के शिक्षा शास्त्र विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर है। आपके शोध पत्र का शीर्षक क्रिया योग एवं अष्टांग योग था। डॉक्टर अपर्णा धीर असिस्टेंट प्रोफेसर स्कूल ऑफ इंडिक डार्टमाउथ यूएसए द्वारा वैदिक विजन फॉर हार्मोनी के लाइव टॉपिक पर अपना शोध पत्र वाचन किया। डॉक्टर अनुज सेठ एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत सत्यवती कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी ने संस्कृत साहित्य एंड सरल सकारात्मक जीवन पद्धति शीर्षक पर अपना शोध पत्र प्रस्तुत किया। डॉक्टर सुनीता जायसवाल एचओडी डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज रामपुर ने वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भारतीय विचारधारा एवं जीवन शैली का पुनः प्रवर्तन इस टॉपिक पर शोध प्रस्तुत किया। डॉक्टर नीलिमा सिंह जो पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट राजर्षि टंडन डिग्री कॉलेज प्रयागराज में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, आपने कोविड-19 संकट के परिप्रेक्ष्य में गांधी जी के जीवन मूल्यों की प्रासंगिकता इस शीर्षक पर शोध पत्र का वाचन किया। डॉक्टर दीप्ति विश्व असिस्टेंट प्रोफेसर सीएमपी डिग्री कॉलेज प्रयागराज ने आयुर्वेद की प्रासंगिकता टॉपिक पर अपना शोध पत्र वाचन किया। डॉक्टर संध्या ठाकुर असिस्टेंट प्रोफेसर कानपुर विद्या मंदिर डिग्री कॉलेज कानपुर ने संस्कृत वांग्मय में बड़ी नैदानिक विमर्श वर्तमान परिवेश में इस टॉपिक पर शोध पत्र प्रस्तुत किया। प्रोफेसर हरीश्वर दीक्षित जो संस्कृत विद्याधन का बीएचयू वाराणसी से हैं, आपने कोरोना से बचाव का सशक्त उपाय वैदिक जीवन शैली इस शीर्षक पर अपना शोध पत्र वाचन किया। डॉक्टर सौम्या कृष्णा असिस्टेंट प्रोफेसर एसएस खन्ना प्रयागराज ने पतंजलि योग दर्शन में क्रिया योग का स्वरूप इस शीर्षक पर शोध पत्र वाचन किया। डॉक्टर अच्छे लाल ने कालिदास के ग्रंथों में मानव और पर्यावरण के अंतर संबंध टॉपिक पर अपना शोध पत्र वाचन किया। डॉक्टर सत्य प्रकाश श्रीवास्तव असिस्टेंट प्रोफेसर सीएमपी डिग्री कॉलेज प्रयागराज ने साहित्य एवं शिल्प में भारतीय संस्कृति का उद्घोष एवं सार्वकालिक प्रासंगिकता पर अपना शोध पत्र वाचन किया। इसके बाद वैलिडेटरी सेशन प्रारंभ होता है, जिसका संचालन डॉक्टर दिव्या पांडे असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज ने किया। डॉक्टर दिव्या ने सत्र में उपस्थित आदरणीय प्रोफेसर उमाकांत संस्कृत डिपार्टमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद प्रोफेसर गिरिजा शंकरास्त्री एचओडी ऑफ ज्योतिष विभाग बीएचयू प्रोफेसर शिव के चतुर्वेदी सिविल एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग द ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी कोलंबस ओहियो यूएसए डॉक्टर विवेक तिवारी डायरेक्टर इंजीनियर टेक्नोलॉजिस्ट एट इंटेल कॉर्पोरेशन सैन फ्रांसिस्को बे एरिया कैलिफोर्निया यूएसए तथा सर की अध्यक्षता कर रही प्रोफेसर शशि तिवारी प्रेसिडेंट ऑफ टिप्स इंडिया सबका अभिवादन किया। इसके बाद प्रोफेसर शशि तिवारी मैम ने सभी वक्ताओं एवं प्रतिभागियों का स्वागत किया। गुरुवर प्रोफेसर उषा यादव ने योग की प्रासंगिकता को बताया और कहा कि इससे शरीर की क्षमता में वृद्धि होती है। आपने श्वास प्रश्वास पर विस्तार से चर्चा की। पतंजलि ने योग दर्शन में तीन प्रकार के प्राणायाम का उल्लेख किया है, रेचक पूरक कुंभक। आपने इसके अतिरिक्त केवल कुंभक नामक चौथे प्राणायाम पर विस्तार से चर्चा की और आपने कहा कि पतंजलि ने 8 कुंभक प्राणायाम का उल्लेख किया गया है। प्राणायाम का महत्व बताते हुए पतंजलि ने कहा कि प्राणायाम से आत्मा के अंधकार रूपी अज्ञान का नाश हो जाता है, शरीर के संपूर्ण मलजल कर नष्ट हो जाते हैं, सूक्ष्म शक्तियां जागृत हो जाती हैं। प्रोफेसर गिरिजा शंकर शास्त्री ने वैश्विक संबंध में धर्मशास्त्र द्वारा रक्षा के उपाय इस विषय पर अपना व्याख्यान दिया। जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, इसलिए हमें ऐसा प्रयत्न करना चाहिए जिससे जीवन मरण का बंधन ही छूट जाए। आपने धर्म शास्त्र में आचरण को बहुत महत्व दिया गया है, यदि आचरण सही नहीं है तो वेद वेदांग का अध्ययन भी रक्षा नहीं कर सकता। आपने कहा कि यदि हम स्वयं को पवित्र बना लिए हैं तो कोरोना बहुत छोटी सी चीज है, केवल माया हुआ धर्म ही हमारे साथ जाएगा। धर्मशास्त्र में कहा गया है कि हमें असंग भाव से रहना चाहिए,
आपने भू उत्पाद अंतरिक्ष उत्पाद बताते हुए कहा कि यह महामारी अंतरिक्ष उत्पाद के कारण है। आप वराहमिहिर बृहस्पति संहिता वशिष्ठ संहिता का विशेष उल्लेख किया। प्रोफेसर शिव के चतुर्वेदी ने रिवाइवल ऑफ संस्कृत संस्कार योग धर्म ट्रेडिशन एम मेडिटेशन टॉपिक पर अपना वक्तव्य व्यक्त किया। आपने कहा कि कोरोना वायरस केवल भौतिक समस्या नहीं बल्कि मानसिक समस्या पुअर फॉल्टी एंड करप्टेड प्रैक्टिस से प्रकृति का क्षरण हो रहा है। लगातार होते आविष्कार के कारण प्रकृति नष्ट हो रही है। वैदिक स्थिति की ओर जाना है। हमारी जीवन शैली खान पान क्रियाकलाप सब आत्मिकता से प्रभावित है जो केवल योग से ही सुधर सकती है। आपने पीपीटी के माध्यम से धर्म संस्कार और संस्कृति की व्याख्या की और कहा कि हम अपनी संस्कृति को भूल जा रहे हैं। समापन सत्र के अंतिम वक्ता के रूप में डॉक्टर तिवारी ने रीडिस्कवरी द ह्यूमन कनेक्शन विद नेचर इन रेफरेंस टू बर्ड्स टॉपिक पर पीपीटी के माध्यम से यह बताया कि कोरोना के कारण हम लॉकडाउन में बद्ध हुए हैं, नहीं तो हम पक्षी के समान आजाद थे। सर, आप एक बर्ड फोटोग्राफर हैं, आपने विभिन्न वर्ल्ड में रहने वाले पक्षियों के बारे में विस्तार से बताया कि एक ही पक्षी के अलग अलग वातावरण में अलग अलग प्रजातियां पाई जाती हैं। सत्र की अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर शशि तिवारी मैम ने सभी वक्ताओं के उत्कृष्ट व्याख्यान की सराहना की। वेबिनार के टॉपिक से संबंधित आपने कहा कि वेबिनार के टॉपिक से संबंधित लगभग सभी पहलुओं पर चर्चा हो चुकी है। आपने 6 प्रकार की इतियों को बताया, अतिवृष्टि अनावृष्टि शलभ चूहों का लगना पक्षियों की अधिकता हो जाना दूसरे देशों के राजा की चढ़ाई। आपने बताया कि इस समय जैव में टिड्डों का आक्रमण यानी शलभ का संकट आया हुआ है। आपने कहा कि हमें प्रकृति से तादात्म्य स्थापित के रहना चाहिए। अंत में आपने वेबिनार में उपस्थित सभी लोगों का स्वागत किया। वेबिनार सभी स्पीकर पार्टिसिपेंट्स कन्वीनर ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी मीडिया सभी को धन्यवाद ज्ञापित किया। इसके बाद डॉक्टर रंजीत पेरा डॉक्टर भास्कर द्विवेदी ने फीडबैक दिया, वेबिनार से रिलेटेड फीडबैक दिया। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पूरा बहुत रिपोर्ट तैयार कर लिया था, चलिए अच्छी बात है, धन्यवाद। किसी भी कार्य का अब मैं धन्यवाद ज्ञापन करूं? हाँ मैम, एक्चुअली मैम डॉली जैन को बोलना था मैम, और उनका बोले आए डॉक्टर डॉली जैन, आवाज आ रही है आपको हमारी? डॉली जैन, हाँ मुझे आवाज आ रही है। हाँ बोलिए बोलिए, अभी अब आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। एक्चुअली सर आवाज अनम्यूट नहीं हो पा रही थी, चलिए बोलिए, अब आप बोलिए। मैं इस वेबिनार के आयोजकों के सफल आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाइयां और धन्यवाद देना चाहती हूँ। इस वेबिनार के माध्यम से हमने COVID-19 के इस दौर में भारतीय संस्कृति का पुनः उद्घोष करने के लिए प्रेरित हुए। साथ ही साथ आयोजकों की इस सफल मेहनत का ही यह परिणाम है कि सभी विद्वान वक्ताओं के अत्यंत ज्ञानवर्धक वक्तव्य को हम सुन सके। पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक अंतिम बात कहना चाहूंगी, डॉली जो है ऐसे कई लोग यहाँ पर बैठे रहे जिन्होंने भाग नहीं लिया, सुना सिर्फ, तो वो हमारे लिए एक दूसरी दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए उनका भी कुछ हमें पता प्रतिक्रिया का पता होना चाहिए। और मैं सोच रही थी प्रयागराज में हो रहा है जहाँ पर त्रिवेणी है, गंगा यमुना और सरस्वती जो विलुप्त है, और यहाँ पर हमने 2 दिन ज्ञान की गंगा और विज्ञान की यमुना और विलुप्त सरस्वती, तो विलुप्त तो नहीं कहना चाहिए लेकिन जो छुपी हुई है वो सरस्वती, और यहाँ था वो कोरोना वायरस, जो कि आपने संस्कृत का सूत्र पढ़ा हुआ है अदर्शनम लोपा, लुप्त हुई है लेकिन इसलिए खत्म नहीं हुई है, दिख नहीं रही है। तो जैसे वहां सरस्वती दिख नहीं रही है मगर है, उसी तरह से ये, तो ये बहुत अच्छा यहाँ पर आप लोगों ने प्रयागराज नाम सार्थक किया, त्रिवेणी को बहाया, और इस त्रिवेणी में जो मुझे 3 काम करते हुए ज्यादा नजर आए
वो हैं अनीता सेनगुप्ता शुक्ला जी और हमारी अपर्णा। मैं तो थोड़ा बहुत कर रही थी, तो आप तीनों का जो त्रिवेणी ने बन के काम किया, तीन यहाँ पर हमें प्रतिक्रियाएं मिली और बहुत ही मतलब सुंदर और ज्ञानवर्धक चर्चा रही। और ये सच है जैसा अनीता जी ने कहा कि आसपास हमारे वो बीमारी घूम रही है, लेकिन हमारा ध्यान दो दिन वहां से हटा। और अंतिम वाक्य जो हम सबके लिए संदेश के रूप में है कि जो वेद है वो आशावादी है, आशा सिखाता है। और यहाँ सब लोगों ने हमें आशा रखने को कहा, विश्वास रखने को कहा, सकारात्मक दृष्टि रखने को कहा, भारतीय दृष्टि भारतीय जीवन शैली में फिर से अपनी महत्व अपनी आस्था को बनाने की बात दोहराई और बार बार दोहराई। मैं बहुत बहुत साधुवाद और अपना स्नेह अपना आशीर्वाद और अनीता सेन गुप्ता के लिए भी प्रस्तुत करना चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ अगर यहाँ ताली बजाने की कोई संभावना हो तो उनके लिए सब लोग एक बार जोर से ताली बजा सकते हैं, बाहर से जो दिखाई दे ऐसी ताली बजा सकते हैं। मैम मैं सबको अनम्यूट कर देता हूँ। मैम मैं सभी को अनम्यूट कर दे रहा हूँ, सब अपने अपना वो कर सकते हैं, अलाउ कर अपने को अनम्यूट कर सकते हैं खुद से, वो जो भी स्पीकर चाहते हैं, और अनम्यूट करके तालियां बजाएं प्लीज। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अभी आवाज आई है तालियों की। सभी पार्टिसिपेंट प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। चलो हो गया वेबिनार कंप्लीट। क्या अच्छा था क्योंकि हम ये तो चीज है कि हमारे इलाहाबाद वगैरह में वेबिनार होते हैं गजब है। सेमिनार वेबिनार बहुत शशि मैम प्रणाम पूनम बोल रही हूँ। अच्छा अच्छा पूनम सभी को बहुत बहुत आप भी ऐसे दर्शक के रूप में। जी मैम बिल्कुल बहुत ही आनंद मिला दिन। मेरा नेटवर्क मैम बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा आयोजन था और वक्ता बहुत अच्छे थे। ऐसा लगता है कोई भी क्षेत्र नहीं छूटा कहने से। पे बात हुई है। हेलो जी मैम। हाँ अनीता। हेलो मैम आवाज आ रही है आपकी? बोलिए बोलिए आप सुन। ठीक है धन्यवाद तो दे दो, मुझे धन्यवाद तो देने दीजिए पहले। मैम उसके बाद तो सब चल देंगे। मैम आपके धन्यवाद कमेंट्स में भी बहुतों ने लिखा है, कमेंट्स में भी बहुतों ने लिखा है। मैं पूरे वेबिनार में मुझे अमिता मैम बोल रही हैं। आज कभी वेबिनार नहीं है। बहुत आप फैंस होने दीजिए। मैडम ने क्या बड़ी गुरुजन है, मेरे गुरु लोग आए थे, मुझे एक बार धन्यवाद ज्ञापित कर दीजिए। अच्छा ठीक है मैम, मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ मैम। ओके मैम मैं कर रहा हूँ कर रहा हूँ कर रहा हूँ। नमस्कार क्या आपने? जी मैम बोलिए मैम। मैं बोलूँ शुक्ला जी? हाँ हाँ जी मैम प्लीज। अच्छा अच्छा समस्त सूर्य जनों को कुल जनों को मेरा प्रणाम। जिस कार्यक्रम की रूपरेखा लेकर मैं हफ्ता 10 दिन से शशि मैडम के साथ बहुत ही विविध प्रकार की योजना बना रही थी, मुझे पता नहीं था कि गुरुजनों के आशीर्वाद में इतना होता है। शशि दीदी ने मुझको इतना आशीर्वाद दिया, जाओ तुम राष्ट्रपति सम्मानित अब होगी। हमने कहा बाप रे हरिता शर्मा जी हमें ब्लेसिंग दे रहे, क्या काम बहुत अच्छा होगा। यदि मैं गुरुजनों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित ना करूं तो क्या अनुचित नहीं अनुचित होगा। तो सबसे पहले मैं इस COVID-19 संबंधी जो हम लोगों ने अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी किया उसमें मैंने क्या सीखा जाना बहुत आवश्यक है। सीखा ये कुर्वन्ने में कर्माणि जिजित विशेषत्वम समा। हम कर्म करते हुए जिंदगी को 100 वर्ष तक जी, हमारे अंदर जो आलस्यता आ गया है अकर्मण्यता आ गया है इसने ही नाना प्रकार के रोगों को हमारे अंदर जन्म दिया है। कोरोना से भी विषाक्त विषाणु हमारे अंदर प्रवेश कर चुका है। कोरोना तो एक दिन दवाई से समाप्त होगा लेकिन वो विषाणु कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है।
इसीलिए हमें कोरोना ने सिखाया, क्या सिखाया, कोरोना ने सिखाया अपने अंदर केंद्रित हो, अपने पर्यावरण, अपने आंतरिक पर्यावरण को जानो। उसने हमें स्वावलंबी बनना सिखाया, उसने हमें आत्मनियंत्रित किया, उसने हमें कोरोना ने के प्रकृतियों को कितना स्वच्छ वातावरण दिया। क्या कोरोना ने केवल मानव का तांडव ही नहीं, कोरोना ने हमें बहुत कुछ सिखाया भी है, उसे भी हमें स्वीकार करना ही हो। इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी है, इसमें हमारे पास देश विदेश से वक्ता आए, मैंने उनकी मैं कितनी भी प्रशंसा करूं शायद काम होगा। उनमें से हमारे गुरु और गुरु के तुल्य जो है अर्थात प्रोफेसर एच डी शर्मा, प्रोफेसर आपके के श्रीवास्तव सर, प्रोफेसर शशि मैडम सर, प्रोफेसर बलराम सर, प्रोफेसर उमा रानी त्रिपाठी सर, प्रोफेसर जितने हमारे बहुत बड़े बुजुर्ग गुरु के समान है, पहले मैं उनका नाम ले रही हूँ। इन समस्त जितने भी हमारे अग्रज हैं, गुरुतुल्य हैं, गुरु हैं, उनको मैं साथ प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात मैं डीसी सर को मैं बहुत हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, जो व्यस्तता के बीच में भी आपने हमें चाहे आधे घंटे का समय दिया, लेकिन आपने अपना आशीर्वाद हम लोगों को दिया। अपने प्राचार्य जी की क्या करूं, उस यशस्वी प्राचार्य जी की, कर्म योगी प्राचार्य जी की, जिन्होंने अपने वक्तव्य से समस्त श्रोताजनों को मुक्त कर दिया, जिन्होंने सारे विषयों को अपने इतिहास के माध्यम से उन्हें एक ही स्थान पर केंद्रित किया, प्राचार्य जी के प्रति मैं ऐसे आभार व्यक्त करती हूँ। अब इसके बाद उन समस्त वक्ताओं के प्रति, वैसे तो सभी वक्ता हमारे ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में आए हैं, लेकिन अब वो कुछ वक्ताएं जो कि मेरे शायद हम उम्र होंगे, जैसे प्रोफेसर काशीनाथ राव पांडे सर, प्रोफेसर रंजीत बेहरा सर, प्रोफेसर नंदन प्रसाद जी तो गुरछनी है, ब्रिगेडियर जे एस राजपुरोहित सर, डॉक्टर इमानी राम प्रसाद, प्रोफेसर उमेश प्रताप सिंह, प्रोफेसर जी एस शास्त्री जो कि हम लोग क्लासमेट रह चुके हैं, जी एस शास्त्री सर, प्रोफेसर राम सर, मधु सत्यदेव और नरसिंह पांडा सर, प्रोफेसर यू के यादव सर, प्रोफेसर शिव के चतुर्वेदी सर का नाम है और भूल गए, और विवेक तिवारी सर, डॉक्टर विवेक तिवारी सर, आप सब आज के प्रतिनिधि हैं। जिस तरह से आपने वक्ताओं को उसका वक्ता के रूप में समाज में अपना प्रभाव स्थापित किया, जिस तरह से समाज को आपने कोरोना से लड़ने की शक्ति प्रदान की, निश्चित रूप से हम आपके समक्ष नतमस्तक है, हम आप सभी को नमन करते हैं, आप सभी को हम वंदन करते हैं। इसी कड़ी में मैं समस्त श्रोताजनों से पहले ही मैं सबसे पहले नमन करना चाहूंगी मेरे डॉक्टर सत्यव्रत शुक्ल जी को, जिन्होंने दो दिन से नहीं बल्कि इन्होंने 10 दिन से पूरा कार्यक्रम है, जब भी फोन कर रही हूँ आप निरंतर मेरे साथ लगे हैं। शुक्ला जी ये करना है, शुक्ला जी वो करना है, शुक्ला जी हमें बैंक चाहिए, शुक्ला जी हमको ये चाहिए, हमें परफेक्शन चाहिए, हमें काम करना है केवल इतना नहीं चाहिए, हमें काम में 100% चाहिए। शुक्ला जी ने कभी भी मेरा विरोध नहीं किया, उन्होंने हमेशा हंसते हुए कन्हे मैडम आप और शशि मैडम दोनों ही मेरे लिए समान है, तो जब भी आपकी आवश्यकता होगी आप याद कीजिएगा। शुक्ला जी मैं आपके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, शायद मैं आपके प्रति आभार व्यक्त कर पाऊं भी ना पता नहीं, आज जो सफल कार्यक्रम हुआ उसका सबसे बड़ा योगदान आपका है। थैंक यू मैम। इसके बाद मैं उन समस्त श्रोता बंधुओं को नमन करना चाहूंगी, वो श्रोता बंधु हो सकता नाना रूप में हमारे पास आए हो, वो भी ईश्वर के ही रूप में आए हो, यम श्रोता बंधु को जिन्होंने बहुत ही धैर्य के साथ सारे विषयों को सुना, समस्त विषयों पर अपनी आलोचना भी दी, उन्होंने अपनी पूरी भी की, वो सभी श्रोता बंधु हमारे हार्दिक आभार उन सबके प्रति व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। अब कुछ पंक्तियों के द्वारा केवल बताना चाहूंगी, मैं नतमस्तक होकर धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ विधाता की उस शक्ति को जिन्होंने चुनौतियों को सामने रखकर हमेशा मार्ग में आगे बढ़ने की हमें सकारात्मक ऊर्जा दी। हम कृतज्ञ हैं
उन समस्त वक्ताओं के प्रति जिन्होंने हृदय से दिए गए आमंत्रण को स्वीकार कर शास्त्रीय माध्यम से कोरोना से लड़ने की हमें दिशा का पालन करने का मार्ग दिखाया। हम कृतज्ञ हैं उन श्रोता बंधुओं का जिन्होंने इस ज्ञान गंगा में अवगत कर संगोष्ठी को सफल बनाने का संकल्प लिया। हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं महाविद्यालय के उन समस्त शिक्षकों का, उन समस्त आत्मीय जन का, उन समस्त मेरे प्रिय कर्मचारियों का जिन्होंने मेरे उत्साह वर्धन में वृद्धि करने का दायित्व लिया। मैं नमन करना चाहती हूँ वेव्स के उन समस्त डेलीगेट्स को जिन्होंने हम सभी के सहयोग में उत्साह वृद्धि किया। अंत में मैं नमन करना चाहूंगी मेरी अग्रजा प्रोफेसर शशि तिवारी मैडम को जिन्होंने एक बहन के रूप में कभी कभी आपके अंदर मैं संतों की भी छाया देखती हूँ उसी प्रकार आपने मुझे प्रातः काल में जिस तरह से आप मार्गदर्शन करती थी कभी कभी कहती थी ये गलत है लेकिन आपके गलत मुझे कभी भी खराब नहीं लगा। मैंने उसे आपका उपदेश समझकर आदेश समझकर उसे स्वीकार किया कि हम पुरातन पद्धति के हैं, हम नवीन पद्धति के नहीं है, जो सिखाने पर हम रुष्ट हो जाएंगे। मैं आपके इस आदेश को सहर्ष स्वीकार किया और जैसे जैसे आप कहती गई वैसे वैसे मैं आदेश का पालन करती गई। अंत में इस कार्यक्रम की पूर्णता के लिए मैं अपने परिवार जनों को भी धन्यवाद ज्ञापित ना करूं तो बहुत ही अनुचित होगा। मेरी पोती रिया ठाकुर, मेरी दोनों बेटियां तुलिका सेन गुप्ता कैलिफोर्निया में बैठी हुई लेकिन वहां से पूरा हमारे ऊपर वो गवर्न कर रही है, मम्मा तुम ऐसे करना, मम्मा तुम ऐसे करना। मेरी बेटी चंडिका, इन तीनों के साथ मेरे पतिदेव को भी बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ जो दो दिन से हमें पढ़ने के लिए लगातार नहीं जा तुम पढ़ो, जा तुम पढ़ो, जा तुम काम करो, उन सब के प्रति। और फिर मेरे ससुर जी प्रति मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ जो ऊपर से बैठ कर हमें निरंतर काम करने की वो प्रेरणा दे रहे हैं। जैसे लगता है वो मेरे हाथ पकड़ पकड़ के चल रहे हैं और कह रहे चलो तुम आगे चलो। और रविंद्रनाथ टैगोर की वो गीत मुझे बराबर हमारा ऊर्जा का स्रोत है, जो भी तो सुने क्यों नाशे तबे तुम अकेला चलो रे, तबे तुम अकेला चलो रे। जीवन के इस ढंग को मैंने स्वीकार किया और मैं निरंतर आप लोगों के आशीर्वाद से हमेशा कुछ सकारात्मक कार्य करने का प्रेरणा मुझे आप लोगों से मिलता रहा और जिसका परिणाम आप सब लोग हैं, मेरे आचार्य जी हैं, मेरे समस्त सहयोगी बंधु हैं, दीदी हैं, आप सब हैं आप लोग। अंत में कार्यक्रम की पूर्णता की घोषणा करने के लिए हम सब एक साथ स्वस्ति वाचन करें।